डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी की सीरीज को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी शायद एक दो दिनों में ही एग्जाम है, तो जितनी पेपर कर सके मैंने 23, 22 और आज 21 को कर रहे हैं। एक पेपर शायद यदि मैं कोशिश करूंगा कि आज रात या कल मैं कर दूं, जिससे कि सभी जो आप लोग दे रहे हैं एग्जाम अभी सीपीजी के लिए भी फायदा होगा, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटी, इवन सीपेट के लिए भी काफी फायदा होगा जो उड़ीसा में होने वाली है। तो ये 2021 का पेपर है। चलिए बिना किसी भूमिका के देखते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर, जिसमें क्वेश्चन के बड़े मिक्स हैं, कुछ बहुत हल्के क्वेश्चन हैं और कुछ बहुत ही टफ क्वेश्चन है और कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन, तो हर एग्जाम के लिए ये यूजफुल होगा। लेट अस बिगिन। यहाँ पे मैं एक दो बुक का जिक्र करना चाहूंगा जो अभी पब्लिश हुई है, सीयूईटी पास्ट 5 ईयर। ये एक यूनिक बुक है। यूनिक बुक इस मायने में नहीं है, पास्ट 5 ईयर या पास्ट 10 ईयर बहुत ही पॉपुलर सीरीज होता है किसी भी एग्जाम के लिए, सिविल सर्विसेज से लेके और इवन सेमेस्टर एग्जाम के लिए। ये यूनिक इस मायने में है कि जिस तरह से मैंने इस बुक को लिखा है, यदि आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि कैसे क्वेश्चन को जो है कितने तरीके से एनालाइज किया गया, कितने तरीके से लिखा गया, एक तरह का आईने की तरह दिखता है, और कितना इंफॉर्मेशन दिया गया। आप केवल इस बुक के थ्रू जो है इतनी सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं कि लगभग आप सीयूईटी पीजी के लेवल तक पहुंच सकते हैं। शुरू करके आप इसको जो है एक स्टार्ट करने के लिए भी सीयूईटी पीजी 25 के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें सभी सीयूईटी पीजी के जितने क्वेश्चन पेपर अभी तक आए 6, सब का थ्रेडवेयर एनालिसिस एंड डिस्कशन है। ये इस लिंक पे मिलता है, किंडल वर्जन में अवेलेबल है, जो किंडल ऐप पे फ्री आप पढ़ सकते हैं। तो केवल आपको जो नॉमिनल जो कॉस्ट है वो आपको पे करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद कोई कोई डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं। कई लोग सोचते हैं कि किंडल डिवाइस खरीदना, तो नो, किंडल ऐप फ्री है। आप उसको एंड्रॉयड से या डेस्कटॉप पे उसको डाउनलोड करते हैं। और कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर खरीदने के बाद मेरा बुक कहाँ है। कुछ लोगों को जब इसको पता नहीं है, फर्स्ट टाइम किंडल से खरीद रहे हैं, जब आप कोई भी बुक किंडल से खरीदते हैं तो ऑटोमेटिकली जैसे आप खरीदते हैं आपके किंडल ऐप के लाइब्रेरी में वो डाउनलोड हो जाता है। आपको किंडल ऐप को लॉग इन करना है यदि आप पहली बार कर रहे हैं, अदरवाइज दूसरी बार तो आपके डेस्कटॉप पे ऐसे ही रहता है या मोबाइल में ऐसे ही रहता है, और उसी यूजर आईडी पासवर्ड से करना है जिससे कि आप अमेजन में बुक खरीदते समय किए। इस बात का ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि अपने दोस्त को, अपने भाई को, किसी को कहा कि मेरा बुक खरीद दो और बाद में अपने यूजर आईडी पासवर्ड से आप किंडल में जा रहे हो तो आपको नहीं दिखेगा। ऑफकोर्स नहीं दिखना चाहिए। जब आप किंडल पे पढ़ते हो तो इतने सारे फैसिलिटी हैं जो मैंने कई जगह बताया है। आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, आप फ्लैश कार्ड बना सकते हो, नोट बना सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, समराइज कर सकते हो, कई चीज़ें आप, और जो है सीमलेस नेविगेट भी बुक में कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सस्ता होता है, इसीलिए किंडल वर्सन में मैं निकाल रहा हूँ, क्योंकि हार्ड कॉपी में यही बुक जो है डबल से भी ज़्यादा महंगी हो जाएगी। ये तीन बुक का मैं दो बुक का और जिक्र करना चाहता हूँ। एग्जाम गाइड सीयूईटी पीजी के लिए यदि आप सीयूईटी पीजी दे रहे हो, ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस, और यूजीसी नेट गाइड भी जो है वो अभी भी मौजूद है पीडीएफ फॉर्म में। कई स्टूडेंट इसका फायदा अभी भी उठा रहे हैं, आप इसको अभी भी ले सकते हो यदि आप यूजीसी नेट दे रहे हो। वैसे तो पीजीईटी के भी स्टूडेंट अब इसको यूज करते, दोनों के लेवल लगभग सेम हो गए हैं। इन सब का लिंक यहाँ दिया गया है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिकेबल लिंक दिया जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन आंसर की शुरुआत। ये एनिमेटेड इसलिए आपको सादा दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द 3 E's इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कई जगह ये क्वेश्चन अलग ढंग से भी पूछा जाता है कि 3 E's ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ऐसा भी मैंने एक जगह क्वेश्चन देखा है। लेकिन ये बहुत कॉमन सेंस से आप इसको, मैं CS कह सकता हूँ, कॉमन सेंस से आप निकाल सकते हैं कि इफिशियंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। वैसे ये तीनों वर्ड पे पूरी एक लेक्चर ले जा सकती है। तीनों वर्ड का मीनिंग बहुत अलग अलग होता है। एक लाइन में समझे तो इफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि आपको गिवन रिसोर्स को आप कम से कम यूज करके एक गिवन टाइम में आप किसी रिजल्ट को अचीव कर पाते हैं। मतलब आप रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन यदि कर पाते हैं और टाइमली किसी चीज को अचीव कर लेते हैं उसी तरीके जैसा आपको करने का एम था, तो आप इफिशियंट हैं। इकोनॉमी जो है बहुत लिमिटेड होती है कि आप कम से कम रिसोर्स को यूज करके सेम रिजल्ट को अचीव कर पाए। यदि किसी ने मान लीजिए कि 100 यूनिट रिसोर्स को यूज करके कोई ऑब्जेक्टिव अचीव किया और सेम किसी ने 90 यूनिट रिसोर्स को यूज करके कर लिया, तो वो ज्यादा इकोनॉमिक है। सिंपल, मतलब आपने कम रिसोर्स यूज किया। क्वालिटी ऑफ अचीवमेंट पे कुछ भी नहीं कहता इकोनॉमी। जबकि इफिशियंसी जो है वो बेसिकली ये है कि आपने अच्छे से जिस तरीके से करना चाहिए था उस ऑब्जेक्टिव को, जो ऑब्जेक्टिव था उसको 100% आपने मीट कर लिया और रिसोर्स का बेस्ट यूज किया, इफिशियंट यूज किया। इफेक्टिवनेस जो है बहुत ही एक कह लीजिए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है और आउटकम से रिलेटेड है और
बहुत ज़्यादा वैल्यू जजमेंटल है। इफेक्टिव मतलब ये होता है कि यदि कोई भी आप ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं उससे एक्चुअली जो टारगेट इंडिविजुअल है, ग्रुप है, समाज है, उसको क्या फ़ायदा पहुंचता है। ये नहीं कि आपने काम तो कर लिया इफिशेंटली, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल यदि आप लीजिए कि हमें 100 बच्चों को मान लीजिए पढ़ाने का, एक टीचर को 100 बच्चे को पढ़ाने का टारगेट है कि 8 घंटे का लेक्चर आपको वीक में लेना है और 6 महीने तक लेना है। आपने यदि एकदम इसको पूरा कर लिया, अपना पूरा लेक्चर लिया, सारा लेक्चर शेड्यूल बांटा, रिसोर्सेज दिए, सबको एक्सरसाइज दिया, तो आपने इफिशेंटली पूरा कर लिया। अब इकोनॉमी तो अलग बात है कितना आपने रिसोर्स कंज्यूम किया, लेकिन इफिशेंटली आपका काम पूरा हो गया। आपका जो टारगेट था कि 8 आवर्स ऑफ लेक्चर इन 1 वीक फॉर 6 मंथ 100 स्टूडेंट को आपने कर लिया। इफेक्टिव ये है कि वो जो बच्चे हैं उनका एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसा रहा आपके पढ़ाने से, क्या हुआ, दैट इज इफेक्टिवनेस। जब इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, आई एम सॉरी कि मैं बहुत लंबा डाइग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको जीवन में बहुत काम आएगा, इफिशेंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी। इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू आउटकम, जबकि इफिशेंसी इज रिलेटेड टू आउटपुट। इन दोनों में मैनेजमेंट में बहुत फर्क होता है, और इससे अधिक चलिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे आइए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया आफ्टर गांधी फर्स्ट पब्लिश इन 2007। ये जो है अभी भी रोज उनको आप टीवी पे सुन सकते हैं, कई टीवी डिबेट में आते हैं, रामचंद्र गुहा। थोड़े से लेफ्ट ओरिएंटेड इंटेलेक्चुअल हैं, और इन्होंने गांधी पे काफ़ी किताब लिखी है, इंडिया आफ्टर गांधी के अलावा इन्होंने गांधी बिफोर इंडिया, गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड भी लिखा है, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया भी लिखा है, और रिबेल्स अगेंस्ट राज भी लिखा है, और ये सब बुक जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विपिन चंद्रा की जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन पे, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, तो देख लीजिएगा, इनका जो बुक है बहुत फेमस बुक है, इंडिया के नेशनलिज्म के थॉट पे भी, कॉन्स्टिट्यूशन पे भी, हिस्टोरियन है विपिन चंद्रा, रोमिला थापर भी हिस्टोरियन है, इनकी भी बुक काफी फेमस है। विच क्लॉज ऑफ द असम एकॉर्ड प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड टू द असमीज पीपल। मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, असम रिलेटेड जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मेरे सभी स्टूडेंट को जानना चाहिए। द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलोड इन इंग्लैंड इज कॉल्ड, ये तो आप लोग अधिकतर लोग जानते होंगे कि ये यूनिटरी है, अनलाइक इंडिया। यूनिटरी का मतलब होता है एक गवर्नमेंट है केवल, और कोई दूसरा उसमें स्टेट गवर्नमेंट, अपने यहाँ एक फेडरल गवर्नमेंट को हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट यहाँ कहते हैं, उस तरह कुछ नहीं होता, एक ही गवर्नमेंट होता है, भले वो जो लोकल यूनिट है उसको पावर कुछ डिवॉल्व कर दे या डेलीगेट कर दे, डिसेंट्रलाइज कर दे, लेकिन है एक ही गवर्नमेंट। इंग्लैंड में केवल एक गवर्नमेंट है, देयर इज नो टू गवर्नमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। यदि आप इंग्लैंड के अलावा देखें यूरोप में, तो फ्रांस, इटली, पोलैंड, हंगरी, ये सब बड़े कंट्री हैं जो यूनिटरी हैं। इसका उल्टा जैसे इंडिया है और यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, उस टाइप के यूरोप में देखें तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ये सब फेमस जो है फेडरल कंट्री हैं। हॉथरोरियन स्टडी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएटेड विथ, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, वी ऑल नो कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी से इसका नाता है, एल्टन मायो और उनके जो शिष्यों ने या उनके अनुयायियों ने इसको किया था, कहाँ किया था ये भी बहुत जगह पूछा जाता है। हॉथरोरियन प्लांट था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी जो कि एक सब्सिडरी थी AT&T जो टेलीफोन बनाने कंपनी अभी भी है, उसकी शिकागो के पास में ये हॉथरोरियन प्लांट था जहाँ पे कि हॉथरोरियन एक्सपेरिमेंट हुआ था। ये कब हुआ था ये भी पूछा जाता है, लेट 1920s आप कह सकते हैं में हुआ था ये, लेट 1920s। डिपेंडेंसी थ्योरीस्ट आपको पता है, रॉल प्रेबिस से लेके और एजी फ्रैंक तक मैं हमेशा बताता रहता हूँ, जिन्होंने कि दुनिया को इस तरीके से देखा कि कोर है और पेरीफेरी है, सेमी पेरीफेरी है, पेरीफेरी जो है वो गरीब थर्ड वर्ल्ड के कंट्री हैं, अपना रॉ मटेरियल, अपना नेचुरल रिसोर्सेज औने पौने दाम पे कोर जो डेवलप्ड कंट्री हैं नॉर्थ के उसको बेचते हैं, और फिर ये अपनी टेक्नोलॉजी, अपने एंटरप्रेन्योरशिप और पूंजी लगा करके जो है इसी को बहुत हाई रेट पे फिर जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सर्विसेज होती है उसको बेच देते हैं
पेरिफेरल कंट्री को, और इस तरह का जो नाता होता है ट्रेड इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक्सप्लॉयटेटिव होता है, उसी तरीके से जैसे कैपिटलिस्ट और लेबर क्लास का रिलेशन है किसी डोमेस्टिक इकोनॉमी में, उसे ही ग्लोबल इकोनॉमी में जो नाता है कोर पेरिफेरी का वैसा ही है। कोर कंट्रीज को आप मान सकते हैं कैपिटलिस्ट पावरफुल कंट्रीज, पेरिफेरल कंट्री आर लाइक वर्कर्स कंट्री। सो डिपेंडेंसी थ्योरी बिलीव दैट फ्री मार्केट डेवलपमेंट प्राइमरली हेल्प द रिच। रिच को आप यहाँ कोर पढ़ सकते हैं, ये बहुत अच्छे से फ्रेम्ड नहीं है ये क्वेश्चन। तो फ्री मार्केट डेवलपमेंट या फ्री मार्केट इकोनॉमी कोर को ज़्यादा फायदा करता है, बाकी वो ठीक नहीं है। डेवलपिंग कंट्री शुड बी डिपेंडेंट ऑन फ्री मार्केट डेवलपमेंट। नो, वाई डिपेंडेंट? इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन द पुअर, नॉट एट ऑल, ऑल द ऑप्शन नो। तो ये सबसे सही है लेकिन वेगली फॉर्म्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मेंबरशिप ऑफ द IMF? ये क्वेश्चन मैंने टफ बनाने की कोशिश की और ये क्वेश्चन आउटडेटेड हो चुका है क्योंकि ये पेपर तो 2021 का है। अभी देखिए क्या है कि करेंटली मेंबरशिप IMF का 190 हो चुका है और 100, ये सही उन्होंने लिखा था, नोरू इज द लेटेस्ट मेंबर, तो नोरू जो है 189th मेंबर थी। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं 190th मेंबर जो है एंडोरा नाम की जो स्टेट है वो बन जाती है, तो ये तो 190 हो जाएगी। ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ द IMF आर मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये सही है। ऑल मेंबर कंट्री ऑफ द IMF आर नॉन सॉवरेन स्टेट, नो, कोई भी इसमें नॉन सॉवरेन स्टेट नहीं है, ये सब सॉवरेन स्टेट होते हैं। तो सी तो बिल्कुल जो है गलत है, बाकी तीन स्टेटमेंट उस समय में सही थी, अब तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए, इसको भी पढ़ लीजिए। हु इज द करेंट US स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट? ये सब बेकार क्वेश्चन है क्योंकि उस समय में जॉन केरी थे, अब तो मतलब जो क्लाइमेट चेंज निगोसिएशन में USA को रिप्रेजेंट करते हैं और, तो जॉन केरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट? इसमें पता है आपको NDC का कॉन्सेप्ट आया था, नेशनली डिटरमिंड कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स रिडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, जिसको जो करना है सभी मिलके करें। तो ईच कंट्री टू सेट इट्स ओन इमिशन रिडक्शन टारगेट एज पर द NDC, ये NDC टर्म को जान लीजिए, तो ये सही है। डेवलपिंग कंट्री डू नॉट हैव टू रिड्यूस इमिशन, बिल्कुल गलत है, इसलिए यही सही ऑप्शन हो गया। सभी को इसमें रिड्यूस करना था, सभी कंट्री को अपना NDC टारगेट फिक्स करना था, तो बाकी तो ठीक होगा ही। लिमिट ग्रीन हाउस गैसेज टू द सेम लेवल एज कैन बी एब्जॉर्ब बाई ट्री सॉयल ओशन बाई 2050, तो सही होगा, तो इसको याद भी कर लीजिए। लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, अब तो उसको 1.5 डिग्री तक करने की कोशिश हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज ए कंपोनेंट ऑफ सॉफ्ट पावर? सॉफ्ट पावर नाम की बुक जोसेफ ने जूनियर ने लिखी थी। सॉफ्ट पावर वो पावर है जो बिना बल के आप अपने चार्म से, आप अपने नेचर से, कंट्री का नेचर, आप अपने ट्रेडिशन से, आपका जो स्टाइल है, वे ऑफ लाइफ है, आपकी जो जो अदर है, फूड के चलते, ड्रेस के चलते, इंटरटेनमेंट के चलते, अपने सिविलाइजेशन के चलते, ये सब जो है सॉफ्ट पावर है जिससे कि आप अपनी बात मनवा लेते हो। इसमें आप कह सकते हैं कि कल्चर आ सकती है, सिविलाइजेशन आ सकती है, लैंग्वेज आ सकती है, फूड आ सकती है, इंडिया के लिए से योगा है, बॉलीवुड है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सभी आ सकती है, आप जो लोगों को मदद करते हो वो भी, लेकिन मिलिट्री पावर तो बिल्कुल हार्ड पावर है, तो ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज इज नॉट एसोसिएटेड विद जॉन रॉल? तो वेल ऑफ इग्नोरेंस, ओरिजिनल पोजीशन मतलब इनका स्टेट ऑफ नेचर, थ्योरी ऑफ जस्टिस इनके बुक, इकोसाइड जो है इनसे रिलेटेड नहीं है। इकोसाइड, साइड का मतलब होता है हत्या, तो इकोसाइड, इकोलॉजी की हत्या, ये क्वाइन किया था प्रोफेसर आर्थर डब्ल्यू गैल्स्टोन ने, इकोसाइड। तो इकोसाइड इज द राइट ऑप्शन, इसका ये भी जान लीजिए, कई एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो UN सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, 15 मेंबर, जिसमें 5 जो है परमानेंट होते हैं P5 और 10 जो है टेम्प्रोरी होते हैं, जो रोटेट होते हैं, दो दो साल के लिए चुने जाते हैं। 5 मेंबर कौन है? आपको P5 पता होना चाहिए, USA, UK, फ्रांस, चाइना, रशिया। हु इज एक्नॉलेज एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस? ऑफ कोर्स राजा राम मोहन राय, से बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फादर ऑफ मॉडर्न, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ बंगाल रेनेसा एंड ऑल। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डॉक्ट्राइन ऑफ पंचशील? तो पंचशील जो है इंडिया चाइना के बीच में साइन हुआ था, चाइना और म्यांमार के बीच में भी साइन हुआ था, उसको बर्मा कही जाती थी। ये सब तो है ही, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी की रक्षा करनी है, एक दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाना है,
और इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करना है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रखनी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि नॉट टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन, ये उसका कोई पार्ट नहीं था। द यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन DPKO केम इनटू बीइंग इन, बस याद कर लीजिए 1992, इसको तो रट लीजिए, सब ऐसा अरबिक टाइप का इंफॉर्मेशन है। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है यूएन का जो कि उसके पूरे दुनिया में जो पीस कीपिंग मिशन होती है उसको मॉनिटर करते हैं, उसके उसका एक तरह से ऑपरेशन को देखभाल करते हैं। यहां देखिए एजर्सन है, एफर्ट्स एट डिसआर्ममेंट स्टॉप्स एट आर्म कंट्रोल, मतलब यदि आपको पूर्ण जो है निरस्त्रीकरण निःशस्त्रीकरण करना है तो बस आर्म को कम कर लो। ऐसा कभी हो सकता है क्या? उससे निःशस्त्रीकरण मतलब डिसआर्ममेंट कैसे हो जाएगी? इसलिए ये गलत है। द मोमेंट ये फॉल्स होता है, ये स्टेटमेंट बिना देखे हुए आप ट्रू कर सकते हो, क्योंकि रीजन एजर्सन टाइप क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट एक साथ फॉल्स नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि जैसे ही ये फॉल्स हो गया, इसको मान लीजिए हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि ऑप्शन क्या होगा कि ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, और कोई ऑप्शन इसमें हो ही नहीं सकता। आप जो देखिएगा इसको, इस टिप्स को समझ लीजिए, वैसे ये पढ़ लीजिए, विदाउट आर्म्स स्टेट्स आर वल्नरेबल, कौन नहीं बोलेगा? ये तो कर्ण वाली बात हो गई ना, बिना अस्त्र शस्त्र के कोई भी वल्नरेबल होता है ऐसे दुनिया में जो एनार्किकल है, जहां पे कि सेल्फ हेल्प ही सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां यदि आप आर्म्स अपना हटा लोगे तो आप वल्नरेबल हो जाओ। वल्नरेबल का मतलब आप पर कोई भी अटैक कर सकता है, मतलब आप सुरक्षित नहीं हो, वल्नरेबल और सुरक्षित। Who was the chairperson of the National Committee for Review of the Working of the Constitution of India Constitution in 2000? उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और कॉन्स्टिट्यूशन के वर्किंग पे एक कमेटी बनी थी जिसके चेयरपर्सन थे एम एन वेंकटाचलैया जस्टिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन, सबको जरूर याद कर लीजिए किसी भी एग्जाम के लिए। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इज एसोसिएटेड विद, इससे आसान क्या होता है, आपको पता भी है कि FPTP क्या है, सिंपल प्लूरलिटी वोटिंग है जिसमें कि जो सबसे अधिक वोट जीतता है कैंडिडेट वो जीत जाता है, चाहे वो 30% ही वोट क्यों ना जीता हो, ये इलेक्शन से रिलेटेड है। प्रोविजंस अंडर द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है? ये नेहरू जी ने फर्स्ट अमेंडमेंट में ही इसको डिवाइस किया था, उसमें ये था कि उस समय में जो लैंड रिफॉर्म के जितने एक्ट थे, चूंकि वो बहुत ज्यादा राइट टू प्रॉपर्टी के चलते जो फंडामेंटल राइट तो हमें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाते थे, तो उन सब को जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट करने के लिए एक 9th शेड्यूल क्रिएट किया गया, जिसमें ये कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया कि कोई भी यदि एक्ट स्टैट्यूट यदि 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए तो उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं की जाएगी, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा अभी भी। लेकिन उसमें बाद में जिसको होता है ना, सब कुछ उसमें डाला जाने लगा, कुछ भी डाला जाने लगा सरकार के द्वारा के जुडिशियल रिव्यू में। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने थक के ये कहा कि अब बहुत हुआ, आप 9th शेड्यूल में कुछ भी डालोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको जुडिशियल रिव्यू करेंगे। तो आज के समय में तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ चुका है, तो 9th शेड्यूल लेकिन फिर भी बहुत डिफिकल्ट है, सो इट कैनॉट बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ कह सकते हैं। हु ऑथर्ड द बुक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिश्ड इन 1980, ये आपका छिपा हुआ है, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन, लेकिन जरूर जान लीजिए। यहाँ पे ड्वाइट वॉल्डो आते हैं जिन्होंने कि 1960s में बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक लिखे थे, उसमें दो बुक मैं यहाँ दे रहा हूँ, आइडियाज एंड इश्यूज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस। इसके अलावा फ्रैंक मरिनी की ये बुक तो मुझे लगता है कम से कम 20 बार मैंने डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज में बताया है, जो कि एक तरीके से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करता है, टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव फ्रैंक मैरिनी। फ्रैंक मैरिनी और ड्वाइट वॉल्डो वेर द आर्किटेक्ट ऑफ द फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस इन 1968, जिससे कि निकल के आता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सागरमाला प्रोजेक्ट जो है वो किस कंट्री से रिलेटेड है? ये सब इतना ज्यादा इन्होंने कुछ मिक्स बनाया है, कुछ क्वेश्चन बेहद ईजी है और कुछ क्वेश्चन मीडियम है और कुछ क्वेश्चन टफ है। तो ये सागरमाला प्रोजेक्ट जो है इंडिया का, ये है क्या? इंडिया के जो कोस्ट लाइन है इन सब को, पोर्ट, इनलैंड वाटरवे, रिवर है, इन सब को जो है एक तरह से माला बनाने का, मतलब एक इंटीग्रेटेड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, सागरमाला। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू इंडियाज आउटलुक ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी। अब देखिए ये मैरीटाइम मतलब होता है समुद्र से रिलेटेड, समुद्री सिक्योरिटी में फ्री ट्रेड क्यों आएगा कि रिमूविंग ऑल बैरियर्स टू ट्रेड, तो ये अपने आप में जो है एनोमली है। बाकी सब जो है कि यूनाइटेड नेशन का जो लॉ ऑफ सी है वो सब कंट्री अपना लें,
पीसफुल रिजोल्यूशन हो मैरीटाइम डिस्प्यूट का, ये सब सिक्योरिटी मैटर है। यदि नॉन स्टेट एक्टर जैसे कि पीरेट्स होते हैं, डकैत होते हैं, उनसे जो है कैसे निपटा जाए ज्वाइंटली टैकल, जैसे अभी हुतीज जो हैं वो अटैक कर रहे हैं तो उनसे कैसे निपटा जाए, ये सब जो है सिक्योरिटी में आ सकते हैं, नॉट फ्री ट्रेड। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसका पहले मतलब जान लीजिए, ये पूछा जा रहा है ये किस जनरेशन की राइट है। पहले राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब जनरली है कि एक कौम को अपना नेशन और अपना स्टेट मांगने का हक है। जैसे फिलिस्तीनी लोग हैं, उनका अपना नेशन होना चाहिए। सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब हमारा फेट, हमारा जो पॉलिटिकल फेट है हमारे हाथों में होना चाहिए। इसको जनरली थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स माना जाता है। फर्स्ट जनरेशन में सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आते हैं। सिविल राइट्स का मतलब होता है सिविक लिबर्टीज, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी और पॉलिटिकल राइट, वोट देने का, पॉलिटिकल ऑफिस के लिए खड़े होने का, लाइक दैट। सेकेंड जनरेशन राइट जो है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स है फॉर इंडिविजुअल। एंड थर्ड जनरेशन राइट जो है वो ग्रुप राइट्स है, इन्वायरमेंटल राइट्स है, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उनका राइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज इन असम हैव बीन डिमांडिंग फॉर एसटी स्टेटस अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन इंडिया। ये तो बहुत बड़ा इशू है लेकिन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है असम स्पेसिफिक। हु पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब उस तरह से पिक्चर पेश किया, हु पोर्ट्रेट स्टेट ऑफ नेचर एज ए स्टेट ऑफ पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड प्रिजर्वेशन एंड ए कंडीशन ऑफ परफेक्ट फ्रीडम एज वेल एज परफेक्ट इक्वलिटी। हॉब्स हो नहीं सकते हैं, उनके लिए तो स्टेट ऑफ नेचर वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है। रूसो और लॉक केवल हो सकते हैं, लेकिन रूसो का मतलब कि म्यूचुअल असिस्टेंस वाली नहीं है, वो नॉवल सैवेज टाइप के, तो एक ही बैठता है जॉन लॉक, वही है। और उन्होंने एक तरह से आप पढ़ के आपको लगता होगा कि पॉजिटिव टाइप के स्टेट ऑफ नेचर है। इनका भी स्टेट ऑफ नेचर पॉजिटिव है रूसो का, लेकिन वो डिफरेंट टाइप है, उसमें इंडिविजुअल अपने में खोया रहता है, वो उसको दूसरे से मतलब नहीं होता है, म्यूचुअल असिस्टेंस नहीं होता। हु डिफाइंड जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ राइट्स एंड इंटाइटलमेंट, तो ये तो रॉबर्ट नॉजिक की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जस्टिस जिसको इंटाइटलमेंट थ्योरी भी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि यदि किसी ने सही ढंग से प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है इनिशियल पोजीशन में, मतलब ओरिजिनल पोजीशन में, और उसके बाद सब्सिक्वेंट उसका ट्रांसफर यदि फेयर और जस्ट हुआ है, तो जो अभी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है प्रॉपर्टी वेल्थ का वो भी फेयर एंड जस्ट है, और स्टेट या समाज को कोई अधिकार नहीं है कि उसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के नाम पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन थोपे। दिस इज द इनक्रक्स ऑफ द जस्टिस एज फेयर इंटाइटलमेंट, रॉबर्ट नॉजिक। ये सब उन्होंने जो बुक में कहा था, स्टेट एनार्की यूटोपिया बुक में 1974 में। सीबी मैकफर्सन देखते हैं इनको, इनको आप जानते हैं दो टर्म के लिए, एक तो पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, ये कैनेडियन लेफ्ट ओरिएंटेड थिंकर थे, और दूसरा इन्होंने पावर को दो पार्ट में बांटा था, एक्सट्रैक्टिव वर्सेस डेवलपमेंटल पावर। पावर इज लेजिटिमेट व्हेन एक्सरसाइज थ्रू ट्रूथफुल मोरल पर्सुएशन एंड पावर एज फेयर मींस ओनली कैन प्रोड्यूस फेयर एंड। तो फेयर मींस और फेयर एंड की बात और मोरल पर्सुएशन की बात यहाँ केवल गांधी जी ही कर सकते हैं। मैं गेस कर रहा हूँ, मुझे लगता है ये सही है, मोस्ट प्रोबेबली यही सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ फासिज्म, फासिज्म मतलब कि एक्सट्रीम मिलिटेंट नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, मतलब मिलिटेंट राष्ट्रवाद। तो इसमें तो टोटलिटेरियन स्टेट तो था ही, हिटलर, मुसोलिनी, इसको याद कीजिए। एग्रेसिव नेशनलिज्म है, हीरो वर्शिप है, जो लीडर होता है वो हीरो बन जाता है, जो टॉप लीडर, लेकिन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो होती ही नहीं है। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट कभी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वो तो ऑथोरिटेरियन या ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, ऑफकोर्स ट्रैगवे ली, कहाँ के थे, नॉर्वे मुझे लगता है, यस। और सेकेंड जो थे बहुत फेमस थे, सॉरी इसको टिक नहीं मारना है, टिक तो ये होगा, डैग हैमरस्कॉल्ड जो थे, स्वीडिश डिप्लोमेट थे और बहुत पॉपुलर थे। इनके जो वन वन लाइनर हैं वो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेकेंड सेक्रेटरी जनरल। इनकी जो है मौत हुई थी जब यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे एक हवाई दुर्घटना में। अब चलिए असम असेंबली छोड़ देते हैं, किस पार्टी को कितना सीट आया। जुडिशियल रिव्यू इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम ऑफ यूएसए, और वहीं से हम लोगों ने जो है लिया है। यूके में जुडिशियल रिव्यू लगभग नहीं होती है क्योंकि वहाँ पार्लियामेंट को सॉवरेन माना जाता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता क्या है कि कोई भी एक्ट पार्लियामेंट बनाए, अल्टीमेट आर्बिटर जो है उसको ये देखने का कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, उसको रहना है या उस लॉ को कि डंप कर देना है, ये वहाँ की कोर्ट होती है। दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। तो ये भी क्यों ना जान लीजिए कि इंडिया में जुडिशियल रिव्यू जो है आर्टिकल 13.2 से ड्रॉ करती है
इम्प्लाइड पावर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ले लिया है 13(2) को इंटरप्रेट करके. द आइडिया ऑफ सर्वोदय थ्रू अंत्योदय वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाई, सर्वोदय मतलब होता है सबका विकास, अंत्योदय मतलब होता है उदय मतलब विकास, अंत्योदय मतलब पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति का विकास. और ये दोनों ही थॉट सबसे पहले महात्मा गांधी से आप जोड़ सकते हैं, बाद में तो सबसे आप जोड़ सकते हैं इन दोनों से भी. यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिखते हैं जो जनसंघ, जो पार्टी जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, उसके जो है संस्थापक फाउंडर है. दीनदयाल उपाध्याय अपने इंटीग्रल ह्यूमेनिज्म के चलते जाने जाते हैं और आचार्य विनोबा भावे अपने भूदान और सर्वोदय आंदोलन और सत्याग्रह के रूप में जाने जाते हैं. यहाँ पे ये भी आपको याद करना चाहिए, गांधी जी ट्रांसलेटेड जॉन रस्किन्स ऑन टू दिस लास्ट इन गुजराती एज सर्वोदय. ये बहुत प्रभावित है रस्किन बॉन्ड के ऑन टू दिस लास्ट नाम के बुक से, जो अंत्योदय की जो फिलॉसफी है वही यहाँ पे है, और उसको इस बुक को उन्होंने सर्वोदय नाम के टाइटल से जो है गुजराती में ट्रांसलेट किया. द पर्सनल इज पॉलिटिकल का जो नारा था वो आप सबको पता है, ये सब तो बहुत बच्चड़े हुए क्वेश्चन है, फेमिनिज्म से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ ये जान लीजिए कि ये नारा दिया किसने था. कैरोल हैनिस ने ये एक आर्टिकल लिखा था, इससे लिखा था द पर्सनल इज पॉलिटिकल 1969 में, उससे ये फेमस हुआ. मैं एक्सप्लेन कई बार कर चुका हूँ, इस फ्रेज को अभी नहीं कर रहा हूँ. लॉक प्रपाउंडेड हिज थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्टेक्ट इन द बुक इन टाइटल. तो ये जो है किस बुक में उन्होंने अपना सोशल कॉन्टेक्ट दिया, वी ऑल नो कि ये जो बुक 1690 में लिखी गई थी लगभग, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में सोशल कॉन्टेक्ट उन्होंने दिया. तो यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि रूसो ने जो है अपने इस बुक में, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम के बुक में अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का थ्योरी को एक्सपाउंड किया. और हॉब्स ने किस में किया था, कैन यू टेल? यस, लवाइथन नाम की बुक में. और यहाँ पे जॉन ऑस्टिन की बुक को भी देख लीजिए, द प्रोविंस ऑफ जुरिसप्रूडेंस डिटरमिन, जिसमें उन्होंने मोनिस्टिक एंड लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी दिया था. चूंकि यहाँ लेक्चर्स ऑन जुरिसप्रूडेंस है इसलिए मैंने लिखा है. रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को आप जेएस मिल से जोड़ सकते हैं बुक उनकी. विच ऑफ द फॉलोइंग डज मिल रिप्रेजेंट एज ए पोटेंशियल क्रिटिसिज्म ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. अब यहाँ आके ये क्वेश्चन अचानक बहुत टफ हो जाता है, यूजीसी नेट से भी ऊपर बढ़ जाता है, तो कोई पैरिटी नहीं है. कुछ क्वेश्चन एकदम बहुत ही लड्डू टाइप और कुछ बहुत टफ. यहाँ पे वो क्रिटिसिज्म देखिए, मिल जो है वो क्रिटिसिज्म करते थे यूटिलिटेरियनिज्म की. सबसे बड़ा उनका क्रिटिसिज्म था कि जो यूटिलिटेरियनिज्म है वो सभी तरह के प्लेजर को एक जैसा मानता है, जबकि हायर एंड लोअर प्लेजर अलग अलग होते हैं. हायर प्लेजर जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, थका हुआ हूँ लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके लिए वीडियो बना के, दिस इज हायर प्लेजर. जब आप इसको देखेंगे तो आपके माइंड में भी स्टिमुलेट करेगा, तो आपके लिए हायर प्लेजर है. लेकिन इसी टाइम में यदि मैं मान लीजिए कोई मूवी देख रहा हूँ, पॉपकॉर्न खा रहा हूँ, आराम से कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, तो वो जो है लोअर प्लेजर है, मैनुअल प्लेजर है, शारीरिक प्लेजर है, वो उसको छोटा प्लेजर वो मानते हैं. तो ये तो डेफिनेटली थी ही, लेकिन चूंकि ऑल ऑफ द अबव है तो और सबको टेस्ट भी करना पड़ेगा. वर्चू इज मोर इम्पॉर्टेंट देन हैप्पीनेस. तो ऐसा लगता है जितना मैंने अभी 5-10 मिनट थोड़ी पढ़ी कि यस, ये भी जो है वो मानते हैं वर्चू इज मोर इम्पॉर्टेंट देन हैप्पीनेस. इनफैक्ट हायर प्लेजर जो है वर्चू से भी जुड़ा हुआ है, वर्चुअस एक्ट से जुड़ा हुआ है. और ये भी वो कहते हुए पाए जाते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो गॉडलेस इथिक्स है, गॉडलेस थ्योरी है, क्योंकि वर्चू जो है वो मोरल गॉड से आता है, वो करना वर्चुअस है, जबकि यहाँ पे कुछ भी करो जिससे प्लेजर मिले वही अच्छा है, तो वो एक तरह से गॉडलेस हो जाता है. मतलब आपको यदि मतलब ऐसा कोई भी काम करके यदि प्लेजर मिलता है तो यूटिलिटेरियनिज्म के लिए अच्छा है. क्रूडेस्ट वे में आप सोच सकते हैं, मैनी एग्जाम्पल जो कि आप बोलोगे कि ये क्या कर रहे हो, लोग बोलेंगे हमें प्लेजर आ रही. सो इट इज ए गॉडलेस थ्योरी. तो ऑल ऑफ द अबव ठीक है, लेकिन ये बहुत टफ क्वेश्चन हो जाता है. ऑल ऑफ द अबव है तो कई लोग ऐसे ही मार देंगे. चलिए, ये अगेन दूसरा वेरी टफ क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन इनजस्टिस. अब देखिए यहाँ पे तो सेंटेंस भी इतना टफ है, डिनाइंग इंडिजिनेट डिफेंडेंट्स द राइट टू एन अटॉर्नी. ऑल टफ. इंडिजिनेट का मतलब होता है ऐसा गरीब आदमी जो फटेहाल है, डिफेंडेंट मतलब कोई आदमी इतना गरीब है कि वो वकील नहीं रख सकता है, तो उसको वकील दिया जाए, राइट टू हैव एन वकील अटॉर्नी. तो ये इनजस्टिस नहीं है क्या, मतलब कि उसको नहीं दिया जाए ये अधिकार, तो कि तुम गरीब हो तो तुम वकील नहीं रख सकते रक्षा के लिए. तो ये इनजस्टिस है. क्यों इनजस्टिस है? क्योंकि रॉल की जो पहली प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, उसके अनुसार से ये मतलब ये वायलेट होता है. सबको अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो
जीवन जीने के लिए जो चीज चाहिए उसको मिलना चाहिए। यदि किसी पर आरोप लगाए जाते हैं कोर्ट में, तो उसको वकील रखने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए हर जो वेलफेयर स्टेट होती है उसमें गरीब आदमी के लिए सरकार की तरफ से वकील होता है। दूसरा, द लैक ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल पर्सन। ये भी जो है, जो उनका जो रोल का जो डिफरेंस प्रिंसिपल है उसको वायलेट करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को वायलेट करता है। क्योंकि यदि लोग गरीब हैं इतना कि अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं है, डिफरेंस प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। इसलिए दोनों ही जो है ये इनजस्टिस है, रॉल के अनुसार थ्योरी ऑफ जस्टिस इसके दो प्रिंसिपल जो है उसको दोनों को वायलेट करते हैं। विच स्टेट्स आर नॉट अ सिग्नेटरी टू द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एनपीटी जो है वो एक डिस्क्रिमिनेटरी सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की पॉलिसी, जिसमें ये है कि भाई अब हमने तो बना लिया न्यूक्लियर बॉम्ब, हमें बनाने दो लेकिन तुम मत बनाओ। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया है, इसराइल ने भी नहीं किया, पाकिस्तान ने भी नहीं, नॉर्थ कोरिया भी इससे बाहर निकल गई है, स्वीडन ने साइन किया है। तो इसलिए 1, 2, 3 सही है। ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है लेकिन एक बार आप जान लीजिए। इसी तरह CTBT भी इंडिया ने साइन नहीं किया, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इन मार्क्सिस्ट थ्योरी द डैश इज द वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास को वहां पे प्रोलेटेरियट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जर्मनी में शायद इसका मीनिंग होगा, और जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसको बोर्जियोजी। तो बोर्जियोई क्लास और प्रोलेटेरियट क्लास जो है वर्किंग एंड कैपिटलिस्ट क्लास है। What was Gramsci's term for cultural consensus supporting capitalism? इस टर्म को उन्होंने हेजोमनी कहा था, मतलब एक ऐसा आइडियोलॉजिकल या कल्चरल कंसेंसस बन जाना समाज में जो कि कैपिटलिज्म को और कैपिटलिस्ट जो स्ट्रक्चर है समाज का एंड रिलेशन है उसको कॉमन सेंसिकल, नॉर्मल और सही मानने लगता है। ये एक तरह का आइडियोलॉजिकल चार्म है, आइडियोलॉजिकल कंसेंसस है। उसी तरीके से जैसे इंडिया में कास्ट जो है एक ऐसा आइडियोलॉजिकल कंसेंसस था जिसमें पूरे समाज ने मान लिया कि ये ऊपर है, ये नीचे है, ये अछूत है, एंड लाइक दैट। सो हेजमनी उसी तरह का कॉन्सेप्ट जो है आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस से लुई अल्थुजर देते हैं, जो यहाँ दिखता है और कुछ एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो अभी तो आप रट भी सकते हैं बिना जाने हुए। आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस इज गिवन बाय लुईस अल्थुजर, ए थिंकर ऑफ स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म। द पर्पस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज टू, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो महबूब उल हक और प्रोफेसर अमृत्य सेन, इंडिया और पाकिस्तान के दो थिंकर ने UNDP के लिए डेवलप किया, जिसमें कि तीन पैरामीटर पे जो GDP से थोड़ा आगे बढ़ जाता है। GDP में तो केवल जो है आपके इनकम, जो टोटल नेशनल इनकम है उसकी काउंटिंग होती है और पर कैपिटा इनकम, लेकिन उसमें एजुकेशन के भी कुछ इंडेक्सेस को जोड़ दिया जाए और हेल्थ के भी, तो इन तीनों को मिला करके जो बनता है उसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। सो इट प्रोवाइड ए ब्रॉडर मीन्स ऑफ मेजरमेंट डेवलपमेंट अदर देन GDP। तो सही है, एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा GDP आर द थ्री इंडिसेस या इंडेक्सेस बेस्ड ऑन विच ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज बेस्ड। वॉट इज मीन्ड बाई ट्रिकल डाउन इफेक्ट? ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब होता है कि यदि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, पाई बढ़ेगा, तो वो अंत में गरीबों तक ही पहुंचेगा। मतलब ये गरीब को टारगेट करके जो है कोई गरीबी उन्मूलन नहीं होती है, इकोनॉमी को जनरल जो बढ़ाया जाता है, जिसमें होता यह है कि रिच और रिच हो जाते हैं, लेकिन चलो ये माना जाता है कि अमीर बहुत अमीर बनेंगे तो वो कुछ तो नीचे जाएगी ना, ट्रिकल डाउन करेगी ना पानी जो है, तो वो नीचे गरीबों तक ही पहुंचेगी और वो भी अमीर बनेंगे। लेकिन इसकी बहुत तरीके से बुराई की जाती है, दैट इकोनॉमिक ग्रोथ विल इवेंचुअली एंड ऑटोमेटिकली ब्रिंग बेनिफिट टू द पुअर। इसलिए कि इसमें होता क्या, रिलेटिव पॉवर्टी बढ़ जाती है, गरीब डेफिनेटली ऊपर हो जाते हैं लेकिन समाज में वो जो खाई है अमीर गरीब की बढ़ जाती है। ये टिपिकल जो है कैपिटलिस्ट सोच है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। आफ्टर सेटबैक ऑन बोथ साइड्स द कोल्ड वॉर रीच्ड इट्स वर्टिएबल क्लाइमेक्स ड्यूरिंग, बहुत ही लंबा चौड़ा वर्ड इसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कोल्ड वॉर का जो क्लाइमेक्स क्या था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, उससे बड़ा कोई हाई पॉइंट नहीं था, क्लाइमेक्स नहीं था, जहां ये लगता था कि एक न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन? तो इसमें इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, USA के पास है, जापान ने अभी तक डेवलप नहीं किया। आपको पता है क्यों? क्योंकि जापान वर्ल्ड वॉर 2 में न्यूक्लियर वॉर का शिकार हुआ था, न्यूक्लियर
बॉम्ब का तो उसने प्रण किया था कि हम इस तरह के वॉर इवेंट में पड़ेंगे ही नहीं, हम उन्होंने अपनी आर्मी तक नहीं रखी थी, अब जाके उन्होंने अपनी आर्मी डेवलप की एंड ऑल। आर्टिकल 371 जी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो क्वेश्चन है इसके लिए मैंने ये आपको दिया है कि देखिए आर्टिकल 371 जो है वो कई कई स्टेट को फेडरल इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक स्पेशल नाते से जोड़ती है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपको ठीक से समझना चाहिए कि ये एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। और जब हम बहुत बातें करते हैं जम्मू कश्मीर की कि आर्टिकल 370 था, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इंडिया में तो इतने सारे स्टेट को स्पेशल अधिकार मिले हुए हैं। यस, जम्मू कश्मीर को कुछ ज़्यादा मिले हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि और स्टेट को स्पेशल अधिकार नहीं मिले हुए हैं। बहुत सारे स्टेट को मिले हुए हैं 371 में, महाराष्ट्र एंड गुजरात को मिले हुए हैं, ए में जो है वो नागालैंड को, बी में 371 बी में असम को, ऐसे आप पढ़ लीजिए तो जी में जो है मिजोरम को। तो हमें ये समझना चाहिए दो बातें यहाँ पे, मैं रिपीट कर रहा हूँ। वन कि 371 में जो है बहुत सारे स्टेट को स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल कंसेशन मिला हुआ है, और इसीलिए ये एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है, मतलब कि हर जो फेडरेटिंग यूनिट है वो अलग कंडीशन के साथ जो है इस फेडरलिज्म में शामिल हुआ है। और दूसरा कि 370 ही केवल एक जो है ऐसा एग्जाम्पल नहीं था जहां किसी स्टेट को स्पेशल प्रोविजन था बहुत सारे स्टेट को। ऑफ कोर्स 370 में जितनी ज्यादा पावर थी जम्मू कश्मीर को वो बहुत यूनिक था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद इंश्योरिंग द प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन। तो ये जो है कि वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसमें, अब यहाँ पे इन्होंने बहुत टफ बनाया है क्योंकि CADAW इसका फुल फॉर्म है, आप नहीं जानते हो तो आप नहीं जान पाएंगे। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो ये तो होगा ही, तो ये होगा। विशाखा गाइडलाइन क्या है जो कि इसी से निकलता है, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एंड रिड्रेसल एक्ट, इसको विशाखा गाइडलाइन ही कहते हैं, जिसमें कि वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हरासमेंट होती है उसके लिए कैसे ऑर्गेनाइजेशन को निपटना है उसकी पूरी गाइडलाइन है। वो विशाखा केस से निकल के आता है, विशाखा वर्सेज द स्टेट ऑफ राजस्थान शायद थी केस। तो ये सब रिलेटेड है, लेकिन ये रिलेटेड नहीं है। द वाजेनर जो अरेंजमेंट है ये कुछ ड्यूएल यूज और कन्वेंशनल वेपन के जो एक्सपोर्ट रेजिम है उससे रिलेटेड जो है कन्वेंशन है, इसे कोई नाता वुमेन के डिस्क्रिमिनेशन से नहीं है। डिफिकल्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कैसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन सही है। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत सही है। आर्टिकल 44 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड और एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है आर्टिकल 17। एंड आर्टिकल 21 तो सही हो ही जाएगा, प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। 48 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट टू एजुकेशन। तो ये आर्टिकल 21A है जो 86 अमेंडमेंट से निकल के आती है। ये अमेंडमेंट तो 2002 में हुआ था, लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 7 साल बाद पास होती है 2009 में। और ये भी हमेशा मैं कहता हूँ याद रखिए कि 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी था वो इसी अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी पार्ट 4A में। ये जो मैच करना है, अभी हम लोगों ने एक कन्वेंशन देखा वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में, एक कन्वेंशन वो यहाँ भी दिखती है आपको, कन्वेंशन ऑन इलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो आप 1979 यदि आपको याद है, इसे मुझे याद है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही क्रैक हुआ था क्योंकि एक ही ऑप्शन इसमें ए का वन है, तो बाकी सब कन्वेंशन के डेट को देख लीजिए। हमेशा कहते हैं, मैंने हमेशा कहा है कि UDHR से शुरू कीजिए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, और जितने भी कन्वेंशंस हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड 7-8 हैं उनकी डेट को जरूर देख लीजिए। The 12th schedule has been added to the Constitution of India by which of the following amendment of Indian Parliament? We all know कि 12th schedule जोड़ा गया 74th amendment से, और 73rd amendment ने जोड़ा है 11th schedule. Find out the qualification for the office of the Vice President of India which is correct from the following option. इसमें जो पहला है कि ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया सही है, सेकंड है ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ही मस्ट बी ऑफ द 35 ईयर्स ऑफ एज और एवब, तो
ये बिल्कुल सही है, तो 1 और 3 जो है इसमें सही है। वैसे जब कोई वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है तो वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरपर्सन बन जाता है बिना उसके मेंबर बने हुए, एक्स ऑफिशियो। यहाँ पे चलिए मिलाते हैं, ये भी आसान होना चाहिए। पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी दिया था 1 और 3, और इसी से देखिए कि आपको हो जाता है क्रैक। उसके बाद तो बस आप मिला लीजिए। तो मोरारजी देसाई जेएनयू नॉन अलाइनमेंट से जोड़ा जाता है। एबी वाजपेयी जो है यहाँ पे 2 दिखते हैं, तो पोखरण 1998 में जो हुआ था, ऑपरेशन शक्ति, राजीव गांधी 6 नेशन डिसआर्मेंट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाग लिया था। ये भी बहुत जगह पूछा जाता है, 6 नेशन डिसआर्मेंट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने न्यूक्लियर डिसआर्मेंट में भाग लिया था, तो ये भी याद कर लीजिए। 5 कंटिनेंट 6 नेशन डिसआर्मेंट कॉन्फ्रेंस, राजीव गांधी। अब ये क्वेश्चन चलिए देखते हैं, तो रिस्टोर स्टेट्स पावर टू मेक देयर ओन ओबीसी लिस्ट, द इंडियन पार्लियामेंट अमेंडेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच गेट्स इन्फोर्स फ्रॉम 10 अगस्त 2021। ये बेसिकली क्या थी, जी रोहिणी कमेटी के रिकमेंडेशन पे आधारित थी, जिसमें कि ये हुआ था कि 2018 में ये पावर स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरह से छीन लिया था, जहां स्टेट को ये अधिकार नहीं दिया गया था कि अपने ओन ओबीसी लिस्ट बनाए और ओबीसीज के बीच में भी वो बंटवारा करेगी किसको क्या मिलना चाहिए। वो पावर जो है वो एक तरह से रिस्टोर कर दी गई 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये सबको आप जी रोहिणी कमेटी के आलोक में भी जान सकते हैं। तो वैसे वो कमेटी की रिपोर्ट अभी प्रेसिडेंट के पास है, नहीं आई है, लेकिन उसके बेसिस पे ये अमेंडमेंट हुआ था। आइए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि अरेंज करने हैं इस इन इवेंट्स को, मोस्ट ऑफ देम आर कोल्ड वॉर इवेंट्स, यस, और उसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करनी है। लेट अस डू इट। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग इस मायने में है कि स्टॉकहोम एकॉर्ड, जो स्टॉकहोम जो स्वीडन की राजधानी आई हो, उसके दो बार दो तरह से उसको देखा जा सकता है। एक तो 1972 में ह्यूमन इन्वायरमेंट पे स्टॉकहोम एकॉर्ड होती है, जिसको कि फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट कह सकते हैं। तो यदि इसको हम लें तो यूएसएसआर चाइना बॉर्डर कन्फ्लिक्ट 1969 में होती है, और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में, और बर्लिन वॉल का फॉल 1989 तो इस तरह से यदि आप अरेंज करें तो आप देखेंगे कि 1, 3 और 2, 4 होगा। लेकिन यदि स्टॉकहोम एकॉर्ड को यदि कई जगह आप नेट पे पढ़ेंगे तो येमेन क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए स्टॉकहोम एकॉर्ड हुआ था, तो वो 2018 में थे, लेकिन उससे कोई मैच नहीं करता है, तो शायद इसको यही इन्होंने समझा होगा, बट डिफिकल्ट। अब यहाँ ये एजर्सन है, सोवियत लीडर क्रुश्चेव प्रपोज द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ये बिल्कुल सही है, और ये आयरनिकल है कि इसके बावजूद भी वो मिसाइल क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के एक मेन एक्टर बन गए। पीसफुल को एग्जिस्टेंस गोज विथ निकिता क्रुश्चेव एट दैट टाइम, 60s के टाइम, अर्ली 60s में जो है वो स्टालिन के बाद बने थे यूएसएसआर के चीफ। न्यूक्लियर वॉर इज अनविनेबल, यस इट इज अनविनेबल, यस ये भी ट्रू है, क्योंकि इसमें म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होती है, दोनों पार्टी में कोई जीत नहीं सकता है, सबका विनाश ही है, तो ये दोनों सही है, लेकिन ये इसका कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, तो मुझे लगता है कि बी है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 56 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द शिमला एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया की उस समय प्राइम मिनिस्टर जो है इंदिरा गांधी थी, और उन्होंने किन किन के साथ किया था, मिस्टर भुट्टो के साथ, ये चेक करना होगा कि उस साइड से कौन थे, मुझे लगता है मिस्टर भुट्टो। ये 1972 में साइन हुई थी शिमला एग्रीमेंट, और इसको पाकिस्तान एक तरह से नहीं मानता है, क्योंकि इसमें ये हुई थी कि कोई भी जो डिस्प्यूट होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में उसको तीसरे जगह नहीं उठाया जाएगा, लाइक यूनाइटेड नेशन, और म्यूचुअली बायलेटरल तरीके से आपस में सॉल्व किया जाएगा, लेकिन इसको हमेशा वो पाकिस्तान ने एक तरह से ब्रेक किया है, और यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का मामला उन्होंने उठाया। अब अगेन एक वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको थ्रो किया जाता है, द बुक्स एंड ऑफ द सॉइल माइग्रेशन एंड इथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया किसने लिखा है। वैसे आप एक बार भी जान ले कि मायरन वेनर जो हैं उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स पे, खास करके जो रीजनल पॉलिटिक्स है, स्टेट लेवल पॉलिटिक्स है, उस पर काफी बुक उन्होंने लिखा है। इनके जो शिष्य थे पॉल ब्रास, उन्होंने भी उस
जेनॉर को जारी रखा है, तो ये आप गेस भी कर सकते हैं, बट डिफिकल्ट क्वेश्चन। एजर्सन देखिए क्या है, कस्टोडियल वायलेंस इज एन अनएक्सेप्टेबल अब्यूज ऑफ पावर बाय पुलिस एंड सीरियस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय देम। कौन बोलेगा नहीं कि पुलिस आपको पूछताछ के लिए कस्टडी में ले जाती है, वहां पे इतनी टॉर्चर देगी कोई मर जाए। रीजन है, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो बिल्कुल सही है, और इसको एक्सप्लेन भी करता है, सिंस हमारा राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वायलेट होता है, तो ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है, तो ठीक है, ए कहा जा सकता है। अब 59 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर से हम लोग देखते हैं मैग्ना कार्टा, तो आपको पता है 1215, मुझे ये डेट याद रखता है, पहली बार जो है एक तरह से जो सिटीजन, उस समय तो खैर वेल्दी सिटीजन थे, उन्होंने अपनी राइट्स जो है वो मनवा लिए थे, किंग जॉन थे, कि भाई ये राइट हमारे चार्टर ऑफ राइट हैं और इसको आप वायलेट नहीं कर सकते हैं। अब इससे पहले तो कोई भी जो है हो नहीं सकता है, वन से पहले, तो वन से स्टार्ट होता हुआ केवल दो ही है, तो यहाँ तो चलिए इसको ख़त्म कर दीजिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वी ऑल नो कि 1789 में होता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट UDHR, मैं हमेशा कहता हूँ उसको याद रखिए, 1948 में होती है 10 दिसंबर को 1948, और एडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल कोविनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट जो है 1966। चलिए आपको सभी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप एक दो को भी याद रखेंगे तो आपको अरेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको पता है कि UDHR पहले हुई है और ICCR जो है, ICCPR जो है बाद में हुई है, इसका मतलब कि 3 पहले आएगी 4 बाद में, तो यहाँ देखिए 4 पहले आ जाती है और 3 बाद में, इसका मतलब ये खत्म हो गया, ये ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है बिना सभी जाने हुए भी इसको क्रैक कर सकते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज और हर एसेंट टू ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मतलब पहले ऐसा नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को भी प्रेसिडेंट जो है रिव्यू कर सकते थे, एक बार लौटा सकते थे, रिजेक्ट कर सकते थे, लेकिन 42nd अमेंडमेंट में बिल्कुल उनके हाथ को बांध दिए गए और ये कह दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यदि पास हो गया पार्लियामेंट से तो प्रेसिडेंट को उसको साइन करना ही करना है। हु डज प्रिसाइड ओवर ए ज्वाइंट सेशन, इनफैक्ट 42nd में, आई एम रिटर्निंग बैक टू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसने आर्टिकल 74 को भी इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया कि प्रेसिडेंट के हाथ पांव बिल्कुल बंद गए, कि वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से बंधे हुए हैं, पहले इस तरह से बंधे हुए नहीं थे। तो एक तरीके से विस प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट की पावर को बहुत बढ़ा दिया गया और प्रेसिडेंट एक तरह से जो है बहुत ही कमजोर हो गए 42nd अमेंडमेंट से। 61, हु डज प्रिजाइड ओवर ए ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये हम लोग सभी जानते हैं, आप मेरे साथ बने हुए हैं पिछले कुछ सालों से, कि ये सब क्वेश्चन एकदम लड्डू टाइप क्वेश्चन है, कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को प्रिजाइड करते हैं, मतलब हेड करते हैं, और यदि वो ना हो तो डिप्टी स्पीकर। हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन अमेंडेड, तो अभी तक केवल एक बार ही 1976 42nd अमेंडमेंट से इसको चेंज किया गया और इसमें 3 वर्ड इंसर्ट किया गया, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। द प्रोविजंस ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर ऑफ रिवर वैलीज इन इंडिया इज लेड डाउन इन विच आर्टिकल में, ये है। अब ये तो आपको थोड़ा जैसे कि 226 में तो हो नहीं सकता, ये हाई कोर्ट की जो रिट की पावर है वो उससे रिलेटेड है, और 126 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 126 जो है सुप्रीम कोर्ट, 124 में कॉन्स्टिट्यूशन है तो जजेस सब के बारे में होगी। तो ये आप गेस कर सकते हैं कि या तो 162 होगा या 262 होगा, और ये जो आर्टिकल है वो 262 है, जहाँ की पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया जाता है कि वो कानून बना करके इस तरह के डिस्प्यूट का निपटारा कर सकती है। वैसे इसके लिए स्पेसिफिक जो है इंटर स्टेट वाटर या रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल भी कई सारे बनाए गए हैं। चलिए थोड़ा सा ये क्रैम्प्ड है, यहाँ पे छोटे छोटे अक्षर हैं, सॉरी फॉर दिस। 64 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। आपको पता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से
लाए गए थे राजीव गांधी जी के टाइम में, और इसके लिए 10th शेड्यूल में इनको जो है डाला गया था, एक नया शेड्यूल क्रिएट किया गया था। तो ये दो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ एन इलेक्टेड मेंबर वॉलेंटरली अपने से ही गिव्स अप हिज मेंबरशिप ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, छोड़ देता है तो बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इफ एन इलेक्टेड मेंबर वोट्स और एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग इन सच हाउस कॉन्ट्रेरी टू एनी डायरेक्शन इशूड बाई हिज हर पॉलिटिकल पार्टी और एनी वन ऑथराइज टू डू सो विदाउट ऑब्टेनिंग एनी प्रायर परमिशन। ऐसा भी है, यदि मान लीजिए उसने व्हिप जारी होती है, एक चीफ व्हिप होते हैं हर पार्टी के, वो कहते हैं कि आपको इस इशू पे इस तरह वोट करना है, यदि आप उसका उल्लंघन करते हैं, वोटिंग यहाँ ओपन होती है पार्लियामेंट में, तो आपको निकाला जा सकता है। तो दोनों ही बोथ जो है कंडीशन फुलफिल होते हैं, लेकिन यहाँ एक ध्यान रखने की बात है कि डिस्क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट से जो है अंडर आर्टिकल 102 जो है वो स्पीकर को पावर होती है, या हाउस का जो अध्यक्ष है उसको, कि वो आपको डिस्क्वालिफाई करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली आप हो जाएंगे। 65 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। यहाँ देखिए ट्रू नहीं है, फॉल्स है। फॉर क्वालिफाइंग टू द इंडियन लोकसभा ए पर्सन मस्ट बी एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज। बिल्कुल सही है, 25 साल चाहिए लोकसभा के लिए, 30 साल चाहिए राज्यसभा के लिए, और गवर्नर एंड वाइस प्रेसिडेंट इन सब बनने के लिए 35 साल। तो सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, तो ये तो चलिए ठीक है, ए पर्सन हु अटेंड्स 25 ईयर्स ऑफ एज कैन बी ए मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा एट द सेम टाइम। पहले तो उसमें दोनों गलत है, 25 साल जो होने पे आप केवल लोकसभा के बन सकते हैं, राज्यसभा के नहीं, और एक ही समय में आप दोनों हाउस के मेंबर हो ही नहीं सकते, तो दो बिल्कुल गलत है। थर्ड देखते हैं, पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैन कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम ए जनरल सीट ऑल्सो एंड नॉट जस्ट ऑफ रिजर्व सीट। ये बहुत कॉमन सेंसिकल है कि आप कैसे किसी भी SC ST कैंडिडेट को बोलेंगे कि आप केवल रिजर्व सीट से आप खड़े हो सकते हो, कभी नहीं। तो ये जो है बिल्कुल सही है। इफ ए मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस वोट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन गिवन बाई द हिज पार्टी ही कैन बी डीम टू बी डिस्क्वालिफाइड। यहाँ पे जो है कि ही कैन बी डीम टू बी डिस्क्वालिफाइड, यस, ऐसा नहीं कि सीधा सा डिस्क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन हाँ डिस्क्वालिफाई हो सकता है। सो ये भी सही है, इसका मतलब केवल स्टेटमेंट टू जो है गलत है, और कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू एनार्किस्ट, एनार्किस्ट के लिए क्या है, जो स्टेट या कोई भी ऑर्गेनाइज्ड जो अथॉरिटी होती है उसको वो नकारते हैं, द स्टेट अथॉरिटी इज नॉट बीइंग मिसयूज्ड, ऐसा कुछ नहीं, स्टेट यूजेज इट्स अथॉरिटी फॉर कलेक्टिव वेलफेयर, नो, द स्टेट मिसयूजेज इट्स अथॉरिटी एंड स्टेट यूजेज इट्स पोजिशन इन फेवर ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पे देखिए कि स्टेट की ये बुराई करेंगे, बिकॉज स्टेट इज ए नेसेसरी इविल इनके लिए है, तो ये कभी भी नहीं कहेंगे कि स्टेट अच्छी है, तो स्टेट मिसयूजेज इस अथॉरिटी, तो इसको हमको चाहिए ही नहीं। द कैबिनेट ऑफ इंडियन यूनियन, जिसको हम कहते हैं एक सबसेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो सीनियर मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर का समूह होता है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो डे टू डे फैसला लेता है, तो इसकी एक वन ऑफ द पावर के बारे में चर्चा हो रही है, क्या वो डिसोल्यूशन लोकसभा का रिकमेंड प्रेसिडेंट को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे, कैबिनेट कैन नॉट रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टू द प्रेसिडेंट, गलत है, कर सकते हैं, कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 85(2) जो है कैन डिसॉल्व द लोकसभा, यदि वो सेटिस्फाई हो कि कैबिनेट की सलाह जो है सही है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम कैबिनेट की सलाह उनको माननी पड़ती है, लेकिन कैबिनेट खुद ही यदि विश्वास मत हार जाए तो क्या होगा, तो वहां पे एक ग्रे एरिया है। सी देखिए, कैन रिकमेंड डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी क्लियरेंस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में नहीं आता है। एंड कैन रिकमेंड डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा टू प्रेसिडेंट ओनली इफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हैव कंसेंट, नॉट एट ऑल, तो केवल दो सही, बी सही है। Which of the following steps cannot be taken by President of India during the financial emergency under Article 360 of the Constitution? बहुत कुछ President करते हैं financial emergency के दौरान, लेकिन एक इसमें से चीज नहीं कर सकते हैं, और वो है कि he cannot suspend the fundamental rights of the Indian citizen. ये तो बिल्कुल नहीं किया सकता है. So he can direct the union and state government to observe such canons of financial propriety. एज, यहाँ गलत लिखा है, प्रॉपर्टी, एज ही डीम्स डिजायरेबल, ही कैन ऑर्डर द रिडक्शन ऑफ द सैलरी ऑल सिविल सर्वेंट, ही कैन ऑर्डर द रिडक्शन ऑफ द सैलरीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, या शायद, लेकिन फंडामेंटल राइट तो सस्पेंड नहीं किया सकता है।
69, which one of the following rights was described by बी आर अम्बेडकर एज द हर्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिल्कुल ये तो नोन होना चाहिए आप लोगों को कि आर्टिकल 32 के तहत जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है उसको उन्होंने हर्ट एंड सोल कहा था, गारंटीड फंडामेंटल राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल इन इंडिया। आपको पता है कि इसको फंडामेंटल राइट से हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, उस पर देखते हैं क्या है। द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 90। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉज इनकॉर्पोरेटेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई द 42nd अमेंडमेंट। आई डोंट थिंक दिस इज करेक्ट, क्योंकि वो तो एक तरह से हटा दिया गया उसको फंडामेंटल राइट से। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉज ग्रांटेड बाई द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बट इट हैज बिन रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ये बिल्कुल सही है। तो द राइट टू प्रॉपर्टी सी पढ़ रहा हूँ वॉज नेवर ए फंडामेंटल राइट, बिल्कुल गलत है। द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी विच वॉज ग्रांटेड बाई द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैज बिन मेड मोर सैक्रोसैंक्ट, नो नॉट एट ऑल। और इसको जो हटाया गया था वो 44th अमेंडमेंट से हटाया गया था और इसको डाला गया है आर्टिकल 300A, इसमें देख लीजिएगा 300A में डाला गया। अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो तीन तरह के राइट हो सकते हैं। सबसे बड़ी राइट जो है सैक्रोसैंक्ट राइट, वो है फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आती है। दूसरी टाइप की राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है किसी आर्टिकल में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहलाते हैं, लाइक राइट टू प्रॉपर्टी। एंड थर्ड है जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है बट किसी एक्ट से आपको दिए गए हैं, लीगल राइट्स कहलाते हैं। 71, द इलेक्टोरल कॉलेज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। हम लोग ये सभी एक तरह से जानते हैं या रट लेते हैं कि प्रेसिडेंट की जो इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब कौन उसमें भाग लेते हैं, उसमें सभी जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, तीन होते हैं। सो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो यहीं पे ये भी एक बार फिर से याद कर लीजिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं उसमें सभी मेंबर, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, लोकसभा और राज्यसभा के, मतलब पार्लियामेंट के सारे मेंबर चाहे इलेक्टेड चाहे नॉमिनेटेड होते हैं, उसमें स्टेट के एमएलए नहीं होते हैं। 72, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन प्रपोज टू बी क्रिएटेड एज द लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम बाय द असम गवर्नमेंट इन 2021। ये आप खुद कर लीजिएगा। द फर्स्ट statute for the government of India under the direct rule of British government was the, तो जो पहली बार जब ये सीधा हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आ गए, मतलब क्राउन के अंदर आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ, तो जो पहला एक्ट आया वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 के विद्रोह के बाद। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचेस। जर्मनी जो है, अभी हम लोगों ने देखा कि ये फेडरल स्टेट है, रसिया, अच्छा यहाँ पे जो है बेसिकली इसके मैच करने हैं जो उसके जो पार्लियामेंट है उसका, तो रसिया का ड्यूमा तो सही है। यूएसए के जो पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, इसके भी बाई कैमरल होता है, जो अपर हाउस है वो सीनेट है, लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और इसराइल का डायट नहीं कहते हैं, इसराइल का निसेट कहते हैं, निसेट, तो ये तो गलत है। तो और जर्मनी की भी जो है फेडरल असेंबली मुझे लगता है स्विट्जरलैंड की है, और जर्मनी की बुंडेस्टैग इससे रिलेटेड कुछ है, तो इसलिए वन तो डेफिनेटली वन एंड फोर मुझे लगता है कि गलत है। आप ऐसे इसका चेक कर लीजिएगा, वैसे मुझे लगता है बुंडेस्टैग है तो ये ए होगा। अकॉर्डिंग टू द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट 1993, जिसके तहत की NHRC बना है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी इट्स चेयरपर्सन। तो रिटायर्ड जज को बनाया जाता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हुई है। जब ये ओरिजिनली जब ये एक्ट आई थी तो इसमें ये था कि ओनली जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे वो इसके, सॉरी चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉट हाई कोर्ट, इसके बनेंगे चेयरपर्सन। लेकिन बाद में जो है कोई भी जो रिटायर्ड जज हैं, मतलब नॉट नेसेसरली रिटायर्ड एंड सर्विंग जज जो हैं वो बन सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो
दोनों बाद में ये 2019 में ये अमेंडमेंट लाई गई थी। तो अब अभी की पोजीशन यदि आप देखें तो जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं और रिटायर्ड एनी जज भी हो सकते हैं। तो इसमें से अब क्या बन के निकल के आता है, बी भी जो है ओनली तो होगा नहीं, एनी सर्विंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सर्विंग जज मुझे इसको चेक कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता है कि सर्विंग जज को बनाया जा सकता है, क्योंकि रिटायर्ड जजेस को ही जनरली बनाया जाता है। सर्विंग जज को बनाना एक वेरी वेरी अनयूजुअल एग्जीक्यूटिव के लिए होगा। तो ये एक बहुत ही, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन को ठीक से उन्होंने फ्रेम नहीं किया। तो एक समझ लीजिए कि अभी जो स्टैट्यूट है उसमें जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो और रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं तो हैं। तो एक तरह समझ लीजिए कि रिटायर्ड जो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे नॉर्मल जज हो चाहे चीफ जस्टिस हो, वो बन सकते हैं एनएचआरसी के चेयरपर्सन। लेकिन और रिसर्च कर लीजिए। आइए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एक रिपीटेड है इसी पेपर में। आपको अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि जो वोमेन का वर्क प्लेस पे हरासमेंट से रिलेटेड कौन कौन से जो है एक्ट है या कन्वेंशन है वो सब पूछा गया था, उसी का ये एक्सटेंशन क्वेश्चन है। इट्स नॉट गुड कि एक ही टॉपिक पे आप दो क्वेश्चन पूछते हो। विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, मैंने आपको बताने की कोशिश भी की थी कि ये एक केस था जिससे उभर के आता है कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, और ये क्या है, इसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप हैं जहाँ की परहैप्स 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर है, तो वहाँ आपको विशाखा गाइडलाइन जो है आपको लागू करना होता है, जहाँ आपको एक इंटरनल सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट जो है मॉनिटरिंग के लिए कमिटी बनानी पड़ती है, जिसमें वोमेन जनरली वोमेन जो है चेयरपर्सन होते हैं, और कोई भी यदि सेक्सुअल हरासमेंट का केस एट वर्क प्लेस आता है तो उस कमिटी को पावर है कि वो उसको इंक्वायर करे और रिकमेंड करके जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उनको वो दे, और उस पर एक्शन भी लिया जाता है। तो ये विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का एक आउटकम है विशाखा गाइडलाइन। 77 एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो आप सबको जानना चाहिए, दैट इज मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। ये तो साइकोलॉजी से बेसिकली आया हुआ है, अब्राहम मैस्लो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दिया जो काफ़ी काफ़ी पॉपुलर हुई, मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, ह्यूमन इनफैक्ट ह्यूमन की जब बिहेवियर की बात आती है तभी पढ़ाया जाता है। उसमें बेसिकली उन्होंने ये कहा, चलिए पहले यही समझाते तब क्वेश्चन देखते हैं, कि जो एक मनुष्य होता है उसकी जो नीड है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, वो एक हायरार्की में है। सबसे पहले उसे रोटी कपड़ा और मकान की नीड होती है, और जब तक ये नीड पूरी ना हो, इसको उन्होंने फिजियोलॉजिकल नीड कहा, मतलब शारीरिक नीड, तब तक वो ऊपर की बात नहीं सोचता है। मतलब ये है कि पहले ये नीड पूरी हो तब ऊपर देखेंगे। जब एक बार उसको रोटी कपड़ा मकान मिल जाता है तब उसको ये लगता है उसकी जान बचे, मतलब सिक्योरिटी हो, सेफ्टी और सिक्योरिटी की उसको चिंता सताने लगती है। तब वो परिवार में रहना हो, चाहे समाज में रहना हो, चाहे बाड़ा बनाना हो, चाहे जानवर से बचना हो, सेफ्टी है। मतलब यदि आदमी यदि भूखा है नंगा है तो उसे सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी कोई चिंता नहीं होती है। जब एक बार ये दोनों पूरा हो जाए, फिजियोलॉजिकल नीड मतलब कि रोटी कपड़ा मकान सेफ्टी सुरक्षा लाइफ की, तब उसके बाद तब उसकी चिंता उसको होती है कि हमें कोई प्यार करे, हमें हम किसी को बिलोंग करें, लव एंड बिलोंगिंगनेस, मतलब कि जहाँ लोग परिवार बनाना चाहते हैं, समाज बनाना चाहते हैं, जहाँ कि उनको फील हो कि कोई हमारे लिए है। तो ये जो फीलिंग होती है सोशल अटैचमेंट की, आप कह लीजिए सोशल बिलोंगिंग की, वो थर्ड लेवल पे आती है। पहले आपको रोटी कपड़ा मकान और फिर सुरक्षा की यदि नीड पूरी हो जाए, और यदि ये तीनों नीड पूरी हो जाती है तब आपको नीड आती है, आवश्यकता आती है कि सेल्फ स्टीम, कि हमारा जो है जिसको ईगो नीड कहते हैं, कि हम जो हैं, मेरा भी कोई वजूद है, मेरी कोई एजेंसी है, लोग पहचाने कि आप में भी कुछ करने की ताकत है, आप कुछ चेंज कर सकते हो, आप कुछ अच्छा कर सकते हो, मतलब मैं हूँ, मेरा एक वजूद है, ये जो सेल्फ एस्टीम है। और यदि सब नीड पूरी हो जाए तो लास्ट में जो नीड आदमी को आती है, जब ये सब सब नीड पूरा हो जाए, तो यदि आदमी उस स्टेज में पहुंच जाए अपने लाइफ में, लाइफ कंडीशन में, वर्क करते हुए, अपने कैरियर में, पोजीशन में, कुछ भी करते हुए, तब उनको लास्ट में जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है, जहां पे कि आदमी को सेल्फ रियलाइजेशन नीड भी कह सकते हैं, आत्मज्ञान, और ये कि मैं क्यों इस धरती पे आया हूं, क्या पर्पस है मेरे होने का, और क्यों मैं, मतलब क्या अल्टीमेट एम क्या है, और मैं कैसे अपने को मतलब वो अचीव कर सकता हूँ जिसके लिए कि गॉड ने या नेचर ने मुझे यहाँ भेजा है। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड लोगों को फील होती है। इस पर काफी विवाद होता है कि क्या इसी तरीके से नीड होती है, इस पर विवाद होता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी को
नीड जंप करे, मतलब जैसे फिजियोलॉजिकल नीड हो तो उसको सेल्फ एस्टीम की नीड हो, क्या ये पूरा होना जरूरी तभी होगा, ये सब आगे आप पढ़ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सिक्वेंस इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अब्राहम मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की। तो यदि आप देखें, अब इतना बताने के बाद तो पता है कि सबसे पहले जो है फिजियोलॉजिकल नीड होगी, तो चार से शुरू होगी, चार से शुरू होता हुआ केवल दो ही है, तो इसको तो पहले खत्म कर लीजिए। और चार के बाद आपको पता है कि सिक्योरिटी नीड होती है, फाइव होती है, तो इसमें चार के बाद फाइव केवल एक ही में है, तो ये आपका हो गया, बाकी तो आप देख सकते हैं। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई, अब ये तो आर्टिकल 76 जैसे ही आप पढ़ेंगे पहला ही होगा कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसलिए है कि प्रेसिडेंट सबको अपॉइंट करते हैं, कोई भी अथॉरिटी जो इंडिया में है, प्राइम मिनिस्टर से लेके मिनिस्टर्स एंड ऑल CAG, गवर्नर, जितने भी हायर ऑफिसेज हैं, जितने भी टॉप ऑफिसेज हैं, वो सब प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। इनफैक्ट प्रेसिडेंट के नेम पे ही बाकी लोगों को भी यूनियन में अपॉइंट किया जाता है। 79 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बैलेंस ऑफ पावर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। पहले इसका बैलेंस ऑफ पावर का डेफिनेशन देखिए। बैलेंस ऑफ पावर रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग स्टेट्स और अलायंसेज। मान लीजिए स्टेट में यदि पावर इंबैलेंस हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अलायंस बना करके इन सच ए वे दैट नो सिंगल एंटिटी और ग्रुप इज डोमिनेंट टू द पॉइंट ऑफ बीइंग एबल टू इन्फोर्स इट्स विल अपॉन अदर्स विदाउट चैलेंज। मतलब कि बैलेंस ऑफ पावर का मतलब है कि पावर इक्वली, लगभग बैलेंस है, इक्वली तो नहीं लेकिन लगभग बैलेंस है। यदि मान लीजिए एक छोटा सा स्टेट है, मान लीजिए नाउरू, एक आइलैंड कंट्री, अब ये जो है मान लीजिए चाइना से कैसे जो है पावर बैलेंस करेगा, तो ये यूएस के साथ मान लीजिए इसने अलायंस कर लिया, या नाटो के साथ अलायंस कर लिया, नाटो में शामिल हो गया, तो ये तुरंत जो है ये पावर बैलेंस अचीव करता है, फिर चाइना इस पर अटैक नहीं कर सकता है। इस तरह से हर छोटा छोटा स्टेट भी जो है पावर बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करता है, यदि खुद में ताकत हो नहीं तो अलायंस बना करके। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे इसमें, तो एनी रेशियो ऑफ पावर कैपेबिलिटीज बिटवीन स्टेट और अलायंस, यही तो है ना, मतलब कि पावर कैपेबिलिटीज का क्या अनुपात है स्टेट और अलायंसेज के बीच में, तो ये सही है, ये रेफर करता है ए रिलेटिवली इक्वल रेशियो। यदि पावर बैलेंस है तो वो रेशियो लगभग इक्वल होगी, वैसे वो डायनेमिक होती है, बदलती रहती है, लेकिन नहीं तो क्या होगा, फिर तो इम्बैलेंस हो जाएगा। सी और डी में से एक गलत होगा, क्योंकि एक आपको गलत चुनना है। द प्रोसेस बाय विच काउंटर बैलेंसिंग कोलिशंस have repeatedly formed to prevent one state from conquering an entire region. यही तो है ना, the process by which counterbalancing coalitions have been formed to prevent one state from conquering the entire region. मतलब regional hegemon नहीं बनने देता है ये power balance. और दूसरा देखिए क्या है, D इसको just काटता है, the process by which counterbalancing coalitions are not formed to prevent one state from conquering an entire. इन दोनों में एक ही सही हो सकता है और ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये balance of power नहीं, imbalance of power है, इसलिए डी गलत है। डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसका जो फ्लिप फ्लॉप टाइप का जो पैटर्न है ना, कि एक क्वेश्चन बहुत ही इजी और दूसरा क्वेश्चन बहुत टफ, उसको ये जारी रख रहा है। 80 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है पीजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, क्योंकि ये जनरली यूजीसी नेट के लिए बच्चे पढ़ते हैं कि डेविड ईस्टन, डेविड हेल्ड, अल्फ्रेड कॉबेन एंड राइमर, लैसलेट, लिप्से, डहल, ये सारे थिंकर और कई और थिंकर भी इन्होंने 1950s के आसपास में जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी है, जिसको क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी बोलते हैं, प्लेटो और अरिस्टोटल टाइप की, उसको नकार दिया था इंपेरिकल थ्योरी के पक्ष में। उन्होंने ये कहा था कि इस तरीके से थ्योरी यदि बनेगी जैसे पहले बनती थी, कि एकदम एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक से अदर वर्ल्डली जो है नॉलेज लेकर के, सेंस एक्सपीरियंस पे नहीं, साइंटिफिक नहीं, फिलोसॉफिकल नॉर्मेटिव बेसिस पे, उसके दिन लद गए हैं। इसी बात को जो है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब मत समझिए कि पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल, नॉर्मेटिव यहाँ पे हटा हुआ है, क्योंकि उस समय तक पॉलिटिकल थ्योरी को नॉर्मेटिव ही माना जाता था। इसमें यदि आप देखेंगे कि कौन से थिंकर हैं जो इसको नहीं, इसको आप मान सकते हैं कि वो हैं, तो इसाया बर्लिन कभी भी उस कैंप में शामिल नहीं हो सकते हैं जिन्होंने कि डिक्लाइन ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी की बात की, क्योंकि वो खुद जो है नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वही इसाया बर्लिन जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी के बाद टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में कहा।
लेकिन ये सभी जो थिंकर बाकी हैं, डेविड स्टर्न, डेविड हेल, अल्फ्रेड कोबेन एंड ऑल, मैंने यहाँ पे और भी दिया है, और कुछ इसमें से जो जनरली यूजीसी नेट समय से पहले पूछे जाते थे। राइमर ने फेमसली कहा था कि पॉलिटिकल थ्योरी इज इन डॉग हाउस, मतलब क्या है कि वो बिल्कुल बेकार हो रही है, मतलब वो डॉग हाउस में होने का मतलब डिक्लाइन हो गई है। पीटर लैस्टलेट ने फेमसली डिक्लेयर कर दिया था कि पॉलिटिकल थ्योरी इज डेड, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बाद में वो बैलेंस रिस्टोर हो गया। आप देख सकते हैं कि कैसे जॉन रॉल्स ने, रॉबर्ट नॉजिक ने, अमृत सेन ने और कई मॉडर्न थिंकर ने जो है नॉर्मेटिव फिलोसॉफिकल अप्रोच को अपनाया, नॉर्मेटिव अप्रोच को तो अपनाया ही। 81 देखिए, द आइडिया ऑफ जस्टिस वॉज ऑथर्ड बाय, अब ये फिर जो है बहुत ईजी क्वेश्चन पे लौट आए हैं इस डिफिकल्ट क्वेश्चन के बाद। प्रोफेसर अमृत सेन ने ये बुक लिखी थी आई थिंक 2009 में, और ये बुक जो है जॉन रॉल की थ्योरी ऑफ जस्टिस का एक जवाब था ग्लोबल जस्टिस में, या लॉ ऑफ पीपल कह लीजिए, उसका भी जवाब था कि न्याय का मायने क्या होता है। इसी बुक में उन्होंने फेमसली जो है नीति और न्याय के बीच में फर्क बताया था। भारत की जो संस्कृति है और जो एंशिएंट जो कॉन्सेप्ट है उससे उन्होंने लेकर के नीति और न्याय का फर्क समझाने की कोशिश की थी, और ये बताया था कि जो वेस्टर्न नोशन जस्टिस का है वो नीति से ज्यादा मिलता है, प्रोसीजरल जस्टिस है, और जो भारत या ईस्टर्न जो ओरिएंटल जो कॉन्सेप्ट जस्टिस का है वो ज्यादा न्याय की तरफ है, जो रियलाइज जस्टिस है, चाहे किसी भी तरीके से जस्टिस को पाया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया, ये बिल्कुल वेग क्वेश्चन है, यदि आप इसको पढ़ेंगे कुछ भी निकल के नहीं आता है, ये क्या कहना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग कैरेक्टर, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, कई लोग कहेंगे ये बिल्कुल नहीं है, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन है ही नहीं इंडियन ब्यूरोक्रेसी में, इसलिए हाथरस जैसी दुर्घटनाएं होती है, कई ऐसे मतलब कि साइलोज में काम करते हैं, एक डिपार्टमेंट नहीं जानता दूसरा क्या कर रहा है, डुप्लीकेशन होती है, कोऑर्डिनेशन नहीं होती है, ये सब व्यू पॉइंट है। वॉट डज इट मीन्स स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग कैरेक्टर, क्या इंडिया को यूनिफाई रखने में मदद करते हैं, क्या है सर्विस डिलीवरी एट द कटिंग एज लेवल, क्या है इसका मतलब। हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस कितनी पुअर होती है, क्या कटिंग एज लेवल है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल कैपेसिटी ऑफ सर्विस, वॉट डज इट मीन, कोई स्टेटमेंट भी नहीं है, इसलिए इसको मैं बिल्कुल छोड़ देता हूँ, बिल्कुल वेग क्वेश्चन। Identify from the following the persons who had put strenuous effort to re-energize the civil service in India. इतना लंबा चौड़ा घुमा के पूछने की जरूरत नहीं है, ये कई जगह लोग पूछते हैं कि कौन सा, क्योंकि यहाँ सभी थिंकर वो हैं जिन्होंने कि इंडिया को बनाया है, उसमें से जो मेकर्स ऑफ इंडिया में केवल पटेल ही ऐसे हैं जिन्होंने कि सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहते हुए जारी रखने की वकालत की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, अदरवाइज उसको, चूंकि ये इंडियन सिविल सर्विसेज ICS जो है वो कॉलोनियल एरा से इसको जोड़ा जाता था, और जो आप जो अत्याचार हुआ था जनता पे उसको ICS से भी लिंक किया था, तो कई कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का मानना था कि इसको डम कर देना चाहिए, सर्विस को खत्म करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसको बचाया, तो इसलिए पटेल। द टर्म गैंग प्लैंक रेफर टू, तो कई बार मैंने डायग्राम देके बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है एक लेवल जंपिंग है बेसिकली, तो मान लीजिए दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, और यहाँ मैनेजर ए है मैनेजर बी है, तो इसको यदि कम्युनिकेट करना है मैनेजर ए को मैनेजर बी से, तो इसको हायरार्की में अपने डिपार्टमेंट के टॉप तक जाना पड़ेगा, फिर डिपार्टमेंट का टॉप नीचे देगा, इस तरह से कम्युनिकेशन होगी। लेकिन यदि अर्जेंट हो तो इस लेवल को जंप करके डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया जा सकता है, टेम्प्रोरली लेवल जंपिंग, गैंग प्लैंक। फायोल, हेनरी फायोल ने यह दिया था। What is the maximum gap permissible between two sessions of the parliament? अभी देखिए पार्लियामेंट की सेशन चल रही है, फिर कुछ दिन बाद जो है आपको मॉनसून सेशन शुरू होगी, तो क्या इन दोनों सेशन में कितने का गैप होना चाहिए? तो ये आर्टिकल 85(1) कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो समन करते हैं सेशन हाउस का, दोनों हाउस का, लेकिन दो हाउस के बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। वैसे भी 6 महीने जो है आप इसको रट सकते हैं, क्योंकि 6 महीने और 6 हफ्ता ये कॉन्स्टिट्यूशन में, यदि आपको खुद समझ में ना आए तो 6 महीने 6 हफ्ते आप इसको टिक मार सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कितने दिन तक जो है कोई एमपी जो है बिना मंत्री हुए, सॉरी कोई मंत्री बिना एमपी हुए मंत्री रह सकता है, यूनियन पार्लियामेंट का बिना मेंबर हुए हुए यूनियन मिनिस्टर रह सकता है, या स्टेट मिनिस्टर रह सकता है बिना स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हुए, तो वो भी 6 महीने ही है। तो 6 महीने कई जो है आर्टिकल 356 के तहत जो है इमरजेंसी कितने दिन रहती है, 6 महीने, ऑर्डिनेंस जो है कितने दिन वैलिड रहता है, तो वो भी जो है 6 महीने 6 वीक है, लेकिन 6 महीने ही एक तरह से कर सकते हैं, और जब एक बार पार्लियामेंट कन्वीन हो जाए तो 6 वीक के अंदर उसको पास होना है, तो 6 महीने जो है काफ़ी एक टर्म है, जैसे 5 साल का टेन्योर होता है उसका 6 महीने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कई चीज़ों का टाइम लिमिट है।
द अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ ए पर्सन इज क्वेश्चन इन द इंडिया इन द रिट ऑफ, तो आपको पांच रिट तो बिल्कुल याद होने चाहिए. हैबियस कॉर्पस जो है वो वही है, प्रोड्यूस द बॉडी. तो कोई यदि आपको गवर्नमेंट ने या किसी प्राइवेट पार्टी ने यदि किडनैप कर लिया है, गवर्नमेंट ने उठा लिया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लिया, नहीं बता रहे, दोनों के अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में आप रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं हैबियस कॉर्पस का. और यदि ये कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो सरकार हो चाहे प्राइवेट व्यक्ति हो, उसको उस बॉडी को प्रोड्यूस करना है कोर्ट में. सर्टियोरिटी जो है वो हायर ऑथोरिटी, लोअर ऑथोरिटी या हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को क्वेश्चन करती है, करेक्ट करती है, अपने यहाँ वो केस को मंगवा सकती है. इसका एक दूसरा काउंटर पार्ट प्रोहिबिशन है जो यहाँ नहीं दिया गया, वो सीधा रोक देती है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है, स्टॉप देयर, अभी मत करो. क्यूओ वारंटो जो है पब्लिक ऑफिस पे किसी का अधिकार, किसी ऑफिसर का है कि नहीं, इसको क्वेश्चन करती है कोर्ट थ्रू रिट ऑफ क्यूओ वारंटो कि बाय व्हाट राइट यू आर ऑक्यूपाइंग ए पर्टिकुलर ऑफिस और पोस्ट. मंडमस जो है ये जुडिशियल कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव है, जहां पे कि कोर्ट यदि मंडमस का रिट जारी करती है तो कहती है कि यू एक्ट एज पर द लॉ टू गिव रिलीफ टू द पीपल, जैसे कि नाली साफ करवाओ, इंक्रोचमेंट हटवाओ, ये काम करो. मतलब एग्जीक्यूटिव को जो काम करना है यदि उसमें शिथिलता वो कर रहे हैं, और यदि आपने ये रिट दायर किया कि देखिए ये एग्जीक्यूटिव ये काम नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट यदि सेटिस्फाई होगा तो वो रिट ऑफ मंडमस इशू करेगा, जिससे कि वो कहेगा कि ये काम करो जो तुमको करना चाहिए एज पर लॉ मंडमस. प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन. प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, एक डेमोक्रेसी के लिए एक चिंता का विषय है. प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है जो आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है सरकार आपको बिना किसी अपराध के आपको जेल में डाल सकती है, ये कहते हुए कि आप आगे शायद कोई अपराध करोगे. अब ये एक इतना ड्रैकोनियन है प्रिवेंटिव डिटेंशन कि ये इसको अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए, क्योंकि यदि कोई टेररिस्ट प्लान कर रहा है, कोई देश के अगेंस्ट में कोई प्लॉटिंग प्लानिंग हो रही है, यदि आदमी यदि गवर्नमेंट को पता लग गया है तो देश की सुरक्षा के लिए उसको बंद करना भी जरूरी है. लेकिन इसमें कई बार निर्दोष लोग भी पिसा सकते हैं और बदले निकालने और गलती भी हो सकती है. तो लेकिन ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो मैंने आपको बताया वो डेफिनेटली किस पर रिस्ट्रिक्शन है, लिबर्टी ऑफ लाइफ एंड पर्सन, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सन लिबर्टी पे एक तरह का जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, रीजनेबल या अनरीजनेबल जो भी कल, जैसे आर्टिकल 21 पे ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है. आर्टिकल 22 को चूंकि वो प्रोटेक्ट डिटेंशन की बात करता है प्रिवेंटिव, इसलिए इसको नेसेसरी न्यूसेंस कहते हैं. मतलब ये न्यूसेंस है, ये अच्छा नहीं है ये एक्ट, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए इसको हमें बर्दाश्त करना होता है और गवर्नमेंट को बहुत सावधान रहना चाहिए. लेकिन जैसा होता है कि जिसके हाथ में पावर होती है, जर्नलिस्ट पावर का मिसयूज भी होता है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी मिसयूज कई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट उठाते रहे हैं हर सरकारों के द्वारा. 88 देखिए, द मॉन्टेग चेसमफोर्ड रिफॉर्म इज नोन एज द, तो आप सबको पता होना चाहिए दो रिफॉर्म, एक मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में निकल के आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और दूसरी मॉन्टेग चेसमफोर्ड कमेटी बनी थी, उन्होंने जो रिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कहा था या सजेस्ट किया था, उसके बेसिस पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनी उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहते हैं, मॉन्टेग चेसमफोर्ड रिफॉर्म. ये एक्ट इसलिए भी जाना जाता है कि इसने डेआरजी मतलब डुएल गवर्नमेंट की एक परंपरा डाली स्टेट में, जहाँ पे कि कुछ जो सब्जेक्ट मैटर थे जो बड़े हल्के थे, पंचायती राज और उस तरह के पेयजल, वो सब जो हैं वो ऐसे मंत्री को बनाए गए जो जनता के द्वारा चुन के आ रहे हैं, और बाकी जो हैवी मंत्रालय थे, लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, ये सब जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर जो गवर्नर के काउंसिल में थे उनको दिया गया था. तो डीआरजी लागू किया गया, और इसके अलावा सिख और कुछ और कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसको सेपरेट रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी जो है दिया गया था, मॉन्टेग चेसमफोर्ड, और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी इसमें थी. द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी इन्हांस्ड बाई, ऑफकोर्स बाई पार्लियामेंट, और कोई अथॉरिटी जो है इस तरह का पावर नहीं विल्ड करती है, चीफ जस्टिस, कैबिनेट या प्रेसिडेंट की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पावर को बढ़ा दे, बट पार्लियामेंट बाई लॉ. अब यहाँ पे आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेबी है, कॉन्स्टिट्यूशन ही उसको पैदा करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन को कौन चेंज कर सकता है. इंडिया में केवल एक अथॉरिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को खत्म कर सकता है, नया आर्टिकल जोड़ सकता है, तो अमेंड कर सकता है, वो है पार्लियामेंट. तो इसका मतलब पार्लियामेंट बाय लॉ जो है कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के पावर को बढ़ा सकती है. 90 नंबर देखिए, तालिबान इन अफगानिस्तान फर्स्ट केम इनटू पावर. ये तो इसीलिए ये पूछा गया क्योंकि 2021 में
अगस्त में जो है तालिबान ने फिर से जो है इस पे कब्जा जमा लिया सेकेंड टाइम, इसलिए आपको पूछा जा रहा है, ये एक करंट इवेंट का क्वेश्चन है। पहली बार 1996 में जो है तालिबान ने अफगानिस्तान पे शासन किया था, लेकिन वो शासन का अंत होता है जब अमेरिका 2001 में कौन सी ऑपरेशन करती है, इंजूरिंग फ्रीडम, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म आफ्टर 9/11, और तालिबान का शासन खत्म होता है। एक मेसी टाइप का अरेंजमेंट निकलता है, एक लिबरल गवर्नमेंट की कोशिश अमेरिका ने की 2001 से लेके 2021 तक, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। वहां पे आतंकवादी और गुरिल्ला वॉर चलता रहा, तालिबान मजबूत होती रही, और अंत में तालिबान ने एक तरह से अमेरिका को भगा दिया वहां से, और फिर अभी तालिबान का शासन है। 91, विच अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज ए मूवमेंट अगेंस्ट लिबरलिज्म? ऑफकोर्स रियलिज्म, और क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, क्योंकि उस समय उसको लिबरलिज्म कहते नहीं थे, इसको आइडियलिज्म कहते थे या मोरल आइडियलिज्म कहते थे। यह वर्ल्ड वॉर वन और टू के बीच में चलता था, जहां लीग ऑफ नेशन की बात होती थी, परपेचुअल पीस की बात होती थी, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी की बात होती थी। लेकिन इन सब को ईएच कार जैसे थिंकर ने, और बाद में मॉर्गेंथाउ जैसे थिंकर ने चैलेंज किया रियलिज्म की, नहीं ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। एक्चुअल में जो 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 इंटरनेशनल रिलेशन की जो सिचुएशन है वो एनार्किकल है, और स्टेट जो है इगोइस्ट होते हैं, एक दूसरे पे जो है बल का प्रयोग करके वो सुप्रीमेसी करना चाहते हैं, पावर और इंटरेस्ट से सभी गाइडेड होते हैं, लाइक दैट। इस तरह की बातें रियलिज्म ने करनी शुरू की, उसको काटा। इसलिए फर्स्ट जो डिबेट होती है इंटरनेशनल रिलेशन में, वो एक तरह से आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म पे ही होती है, लिबरलिज्म वर्सेस रियलिज्म, रियलिज्म वर्सेस लिबरलिज्म भी कह सकते हैं। 92, देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, इन सब हम लोगों सबको याद होना चाहिए ये, कि 15 सितंबर को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये भी थोड़ा सा जान लीजिएगा, रिसर्च कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट सपोर्टेड बाय मल्टीकल्चरलिज्म? मल्टीकल्चरलिज्म का मायने क्या होता है, जहां पे कि सभी कल्चर, इथनिसिटी, रेस, लैंग्वेज के लोग यदि किसी डेमोक्रेसी में एक साथ साइड बाय साइड रह रहे हैं, जैसे इंडिया में, तो फिर कैसी नीति गवर्नमेंट की होनी चाहिए उन लोगों के लिए जो माइनॉरिटी में है, जो मेजोरिटी में नहीं है। तो मल्टीकल्चरलिज्म कहता है कि रेस्पेक्ट होना चाहिए माइनॉरिटी के लिए, ना ही केवल आपको टॉलरेट करना है मेजोरिटी कम्युनिटी को, बल्कि उनको प्रेज भी, या रिकॉग्नाइज एटलीस्ट करना है कि यस, आपका कल्चर, आपका लैंग्वेज, आपका वे ऑफ लाइफ भी अच्छा है, ठीक है, आप अलग हमसे हो लेकिन अच्छा है। एकोमोडेशन ऑफ ऑल कल्चर इज अ एसेंस ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। रेस्पेक्ट फॉर प्लुरलिटी ऑफ कल्चर, मतलब डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो हम लोग पढ़ते हैं कि फूलों का गुलदस्ता है, लाइक ये लोगों को बिलीव करना चाहिए, खास करके मेजोरिटी कम्युनिटी को, मल्टीकल्चरलिज्म ये कहता है। लेकिन फोर्स्ड कल्चरल इम्पोजिशन थोड़ी होगी कि आप, मतलब जबरदस्ती जो है आप कल्चर अपने थोपोगे दूसरे पे, ये तो बिल्कुल आउटलैंडिश स्टेटमेंट है, तो ये गलत होगा ही, मतलब ये आपको आसान बना देता है। बर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर वॉज पब्लिश्ड इन, ये रिपोर्ट जो है ये बहुत ही लैंडमार्क रिपोर्ट थी, आवर कॉमन फ्यूचर। इसकी चेयरपर्सन थी ग्रो हार्लेम बर्टलैंड, जो मुझे लगता है नॉर्वे की बहुत बड़ी नेता थी, शायद प्राइम मिनिस्टर से भी रही थी, और इनको यूनाइटेड नेशन ने एक कमेटी का चेयरपर्सन, कमीशन का चेयरपर्सन बनाया था, ये कहने के लिए कि आप लोग देखो कि दुनिया में जो है वो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, जो जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट हम कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का कितना दोहन हो रहा है, और क्या करना चाहिए, ये लेकर के आए एक टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 87 में ये रिपोर्ट आती है, और उसके बाद से सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा आइडिया के तौर पे चला जो कि आगे जा करके एक बज वर्ड बन गया, सब लोग अब हम लोग इसको यूज करते हैं, मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट, इकोलॉजी को भी बचा के चले, जो अगले जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उसके लिए भी रिसोर्सेज को छोड़ करके जाए, और सभी जीव जंतु और जितने नेचुरल जो चीजें हैं, चाहे जीवित या निर्जीव, उन सब की रक्षा करते हुए हमारे आवश्यकताओं को, मतलब एक तरह से संकुचित करते हुए, जो गांधी जी ने कहा था कि वॉलेंटरी जो आप त्याग कर देते हो अपने वॉन्ट का, अपने लोभ का, उस तरीके से जीवन जीने के बात उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में की, बर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट। मिनिमलिस्ट एंड नाइट वॉचमैन स्टेट किसका फीचर है? हम लोग सब जानते हैं कि ये फीचर लिबर्टेरियनिज्म का है, लिबर्टेरियनिज्म जिसमें रॉबर्ट नॉजिक, मिल्टन फ्रेडमैन और हयाक जैसे लोग आते हैं, फ्रेडरिक हयाक, लेकिन यहाँ पे चूंकि लिबर्टेरियनिज्म नहीं है तो कौन सा आएगा? नियो लिबरलिज्म बहुत नजदीक है लिबर्टेरियनिज्म के, लगभग एक ही बात है, मतलब जो क्लासिकल लिबरलिज्म का नए दौर में जो है उसका नाम लिबर्टेरियनिज्म हो गया, इसलिए इसको ही टिक मारना चाहिए। मिनिमलिस्ट एंड नाइट वॉचमैन स्टेट, इसमें यह माना जाता है कि स्टेट का बहुत काम नहीं होना चाहिए, उसको केवल
सिक्योरिटी करनी है, फॉरेन अफेयर देखना है, कम्युनिकेशन देखना है, बहुत मोटे मोटे काम देखने हैं उसको। एक काम तो बिल्कुल नहीं करना है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन और संपत्ति का बंटवारा करने की, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ये सब नहीं करना है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ इट्स सिटीजन, बताइए। इतने सारे क्वेश्चन पूछने के बाद कि आर्टिकल 22 किसको इन्फ्रिंज करता है, और कितने सारे क्वेश्चन आर्टिकल 21 के बारे में पूछने के बाद अब यहाँ पूछ रहे हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये लगता है कि ये क्वेश्चन अलग अलग सेटर ने बनाया है, कुछ ने बहुत टफ, कुछ ने बहुत ईजी, और जो मॉडरेटर है उसको कुछ समझ में नहीं आया, कहीं पर कहीं क्वेश्चन रख दिया है उसने। आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर, वी ऑल नो कि देयर आर थ्री टाइप ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया, उसमें से आर्टिकल 356 के तहत जो इमरजेंसी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन द स्टेट में हो जाए तो वहां पे स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत लगाई जाती है, और एक यहाँ वॉर इमरजेंसी तो नहीं होती है, जो नेशनल इमरजेंसी होती है आर्टिकल 352 के तहत लगाई जाती है, जो तीन बार इंडिया में लगी है, सबसे इन फेमस, जिसको अभी काफ़ी लोग याद कर रहे हैं क्योंकि उसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, 1975 में जब इंदिरा गांधी ने लगाया था, दैट वॉज द लास्ट टाइम हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगी है। 98 देखिए, ग्लासनोस्ट और पेरेस्टोरोइका, पेरेस्टोरोइका ये दो जो है, जब आप यूएसएसआर के ढहने का आप थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करते हैं तो आपको ये दो टर्म जरूर आपको दिखेगा, आपको पता होगा। तो उसमें से ग्लासनोस्ट क्या था यहाँ पूछा जा रहा है। ग्लासनोस्ट वॉज ए पॉलिसी ऑफ द रेस्ट वाइल यूएसएसआर टुवर्ड्स द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ये क्या था? ये बेसिकली ये ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी था, क्योंकि आपको पता है कि कम्युनिस्ट सिस्टम बिल्कुल ओपेक था, क्लोज था और ट्रांसपेरेंट नहीं था। आप सरकार की बुराई नहीं कर सकते थे, करेंगे तो जेल में डाल दिए जाएंगे। लेकिन गोर्बाचोव ने कहा कि नहीं, आप लिखो, मीडिया, न्यूज़पेपर, सबको उन्होंने कहा कि आप फ्रीली जो हमारे अगेंस्ट में लिखो, और इसके लिए ताकत चाहिए होती है ये कहने के लिए सरकार को कि स्पीक ट्रूथ टू पावर। यदि पावर खुद कहे मीडिया को और अखबारों को और पीपल को, सोशल मीडिया तो उस समय नहीं थे, लेकिन कहे कि तुम बोलो, सच बोलो जो तुमको लगता है, इसके लिए बहुत मोरल ताकत चाहिए, बहुत हिम्मती होना चाहिए सरकार को। नॉर्मली सरकार जो है ऐसा नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं चाहती है, वो नहीं चाहती कि उसके अगेंस्ट में कोई बोले, उसको अच्छा नहीं लगता है सरकार को, किसी भी पावरफुल आदमी को नहीं लगता, गांव के ठाकुर को भी नहीं लगता कि उसके अगेंस्ट में कोई मुंह खोले और सच्चाई की बात करे, क्योंकि वो कड़वा होता है, और जो पावर में होते हैं वो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं कि वो सच सुनना नहीं चाहते हैं। इसलिए ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी जब गोर्बाचोव ने कहा तो बोतल में जिन की तरह निकल पड़ा, वो कभी बाहर फिर अंदर गया ही नहीं। दूसरा उन्होंने इसी से मिलता जुलता किया था जो यहाँ लिखा गया है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम इन इकोनॉमी। उन्होंने इकोनॉमी को भी सुधार करने की कोशिश की, जो सड़ गल गया था, स्टैग्नेट हो गया था, वहां भी जैसे चाइना ने करने की कोशिश की उस टाइप का। लेकिन ये दोनों ग्लासनोस्ट, पेरेस्टोरोइका, लोग कहते हैं दो जिन बोतल से निकला और वो पूरा कम्युनिस्ट जो रेजिम था उसी को तहस नहस कर दिया, यूएसएसआर ही ढह गया। इन द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, जो कि जोसेफ ने एंड रॉबर्ट कोहेन ने दिया था, नियो लिबरलिज्म का कोर थॉट माना जाता है। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस तो मैंने कई बार बताया है, मतलब एक ऐसा वेब स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स का जो मल्टीपल जो इंटरेस्ट है आइटम्स उससे जुड़े हुए हैं, ट्रेड हो, चाहे इकोनॉमिक रिलेशनशिप हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे सॉफ्ट पावर के थ्रू हो, चाहे डिप्लोमेसी के थ्रू जुड़े हुए हों, चाहे वो व्यापार ग्लोबल सप्लाई चेन के थ्रू जुड़े हुए हों, चाहे कॉमन प्रॉब्लम जो है पैंडेमिक को लड़ने के लिए आपस में नेटवर्क्ड हो, तो इस टाइप का कम्प्लेक्स वेब बनता है। कोई ऐसा नहीं है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से सीधा जो है बात करता है, या चार स्टेट मिलकर और तीन स्टेट मिलकर अलायंस बनाते हैं। तो ये जो है न्यू लिबरलिज्म का एक कोर थॉट बन गया, कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। Division of power between the union government and state government, union, state and concurrently, जो list 1, 2, 3 कहते हैं, is made under which schedule? ये बहुत आसान है, we all know कि 7th schedule में तीन list है, union list जिसपे कि union legislature या parliament law बना सकती है, state list जिसमें कि state जो legislature है वो law enact कर सकती है, और तीसरा common list है, इसको concurrent list कहते हैं, उसमें union state दोनों बना सकती है। लेकिन यदि यूनियन और स्टेट दोनों बनाते हैं तो यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा यदि कोई क्लैश होता है तो। दूसरा यह है कि जो इन तीनों लिस्ट में कहीं नहीं लिखी गई है वो रेसिडुअल आइटम है, मतलब कहीं कुछ नहीं है वैसा, मतलब आइटम पे जो है पार्लियामेंट को ही रेसिडुअल पावर है। ये बातें जो है सब 7th शेड्यूल में लिखी हुई है, उस लिस्ट में क्या क्या आइटम है वो भी लिखी हुई है, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये आइटम
यूनियन लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में, उसको देख लीजिए विकिपीडिया पे कहीं भी। लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आर्टिकल 246 को उसके साथ जरूर याद रखिए। आर्टिकल 246 बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। वहां पे वो जिक्र करते हैं कि सेवन शेड्यूल में जो लिस्ट वन है वहां पे यूनियन बना सकते हैं, लिस्ट टू में जो है वो स्टेट बना सकते हैं, या देख लीजिएगा लिस्ट टू स्टेट है या कंकरेंट है, देख। तो ये बातें जो है दोनों सेवन शेड्यूल को आर्टिकल 246 का मिला के पढ़ना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के पीडीएफ को जरूर पढ़िए। तो ऑलवेज जब आप शेड्यूल पढ़ते हैं लाइक 11 शेड्यूल, तो 243 के एक पर्टिकुलर आर्टिकल है, मैं उसका सफिक्स भूल रहा हूँ, 243 मान लीजिए, ए बी सी डी कुछ भी है, उसके साथ आपको पढ़ना है। 12 शेड्यूल को भी 243 कुछ के साथ पढ़ना है। आपको शेड्यूल को आपको हमेशा कुछ आर्टिकल के साथ पढ़नी है। यदि आप शेड्यूल 10 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 102 के साथ आपको डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन के साथ पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मुझे तो बहुत मजा आया, आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। यदि ऐसा है तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको पता है कि आपकी जो कम्युनिटी की चैनल का स्ट्रेंथ है वो 141,000 के आसपास लगभग है, तो आप तेजी से इसको जो 150,000 करें। एक छोटी सी माइल स्टोन है, वैसे तो 150,000 क्या होते हैं, लेकिन फिर भी 140,000 से तो बेहतर है और आपकी कम्युनिटी ग्रो करेगी। आप इसके ब्रांड एम्बेसडर यदि अपने को समझते हैं तो अपने छोटे भाई, अपने फ्रेंड और अपने फैमिली एंड नियर डियर को बताएं इस चैनल के बारे में कि क्या ये प्रयास है, जिससे कि वो भी इसके मेंबर बन सकें, सब्सक्राइब कर सकें। यहाँ पे मैं दो अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, एक डेफिनेट एक इनडेफिनेट। यदि आप CUET PG 2025 दे रहे हैं और लगातार ये सोच रहे हैं कि सर कब से अपनी बैच शुरू करेंगे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग की, तो ये डेट है 1 अक्टूबर 2024, जिसके पहले कि आपको सारी इसके बारे में बताई जाएगी जानकारियाँ डिफरेंट डिफरेंट जो मीडियम जिससे मैं बता सकता हूँ। यदि आप नेट JRF देना चाहते हैं दिसंबर साइकिल में, अब उसका एग्जाम तो थोड़ा डिले हो जाएगी, पता नहीं दिसंबर में होगी कि नहीं, और सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, RPSC PGT इन सब एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसकी जो ऑनलाइन बैच है पता नहीं कब शुरू होगी। पहले मैंने 1 अगस्त सोचा था, लेकिन अब तो 1 अगस्त हो ही नहीं सकती क्योंकि एग्जाम जो है जून साइकिल के ही पूरी नहीं हुई है, और जून साइकिल अभी वो बैच खत्म हुआ है, तो इसीलिए मैं बस एक क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। लेकिन होगी, आपको मैं बताऊंगा, जब एक बार वो डेट निकाल दें तब हम लोग इसको डिसाइड करेंगे कब वो बैच शुरू करेंगे। यदि आप उसके लिए ज्वाइन कर रहे हैं तो बी पेशेंट। इस तरीके से आप मुझसे जो है जुड़ सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन सारे मीडियम से, वेबसाइट, ईमेल, टेलीग्राम, सब पॉल साइंस हेल्प है। आसानी से आप इस को जो है लिख सकते हैं, आप @PaulScienceHelp में देंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पहुंच जाएंगे, @PaulScienceHelp देंगे तो आप ट्विटर में पहुंच जाएंगे, PaulScienceHelp.in से वेबसाइट में, और ईमेल PaulScienceHelp। तो बहुत ही सिंपल है, आपको बस गैप नहीं देना है और बस PaulScHelp लिखना है, और सभी मीडियम के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके सवालों या आपके क्वेरी की जवाब देने की। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बी सेफ़।